भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। तेरी तुम तो सपना देख रही हो ए माँ मेरी साथी का, और मैं देख रहा हूँ सपना फांसी पे आ जाती का। तुम तो सपना देख रही हो ए माँ मेरी साथी का, और मैं देख रहा हूँ सपना फांसी पे आ जाती का। मेरी मेरी तरफ से, मेरी तरफ से सफर करो माँ, काम देश के मैं आऊंगा। माता जी मैं तेरा दूध हाय करके सफल दिखाऊंगा। हाय सोए पड़े भारतवासी उन्हें देखे टेर जगाऊंगा। हे आजादी के लिए एक दिन फांसी मां चढ़ जाऊंगा। कफन हो तन की खाती का, और मैं सपना देख रहा हूँ फांसी पे आजादी का। तुम तो सपना देख रही हो ए माँ मेरी शादी का, और मैं सपना देख रहा हूँ फांसी पे आजादी का। जो हमारे एक्स फौजी हैं वहीं सिर्फ मंच बैठेंगे, बाहर साहब ने कोई गेस्ट नहीं बुलाया, गांव का अपना प्रोग्राम। ये महावीर सिंह एक्स सीआरपीएफ भाई साहब से प्रार्थना है, मंच के ऊपर आइए आप। एक राम कुमार एक्स सेवंथ कैवेलरी आर्मर्ड कोर, आप भी आइए। और रोशन कुमार सिक्स आर्मर्ड और नवी कैप्टन, वो भी मंच पे आएंगे। और नरेश कुमार जाट रेजिमेंट एक्स फौजी, भरत सिंह जी एक मेरा नाम में खड़े हूँ, और जो कोई छुट्टी आ रहा हो, मनदीप, सनो बलदेव, निर्मल राजवीर, राजन सनो जय भगवान, संजू सनो पाला राम, ये बच्चे भी आ सकते हैं स्टेज पर, अगर आ रहे हो तो इनको भी निमंत्रण हो रहा है, आओ। और भाई सोनू कुमार सनो किरसन, विकास सनो नसीब सिंह, बिंदर सनो रोशन, तो ये 5-6 साल के मौजूद हैं। इनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मंच पे आइए और मंच की कार्रवाई फिर चालू करें। आज किशोर कुमार जी बैठो, आप लोगों के लिए ये मंच आज। आओ जी राम कुमार जी, एक बार जोरदार तालियां स्वागत कर दे करो बेटा। और महावीर, महावीर जी से प्रार्थना, ट्रैफिक होल धर्मारा, महावीर जी पहुंच गए हैं। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों, गंगा के समान पवित्र बैठे मेरी माताओं बहनों, और लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक भी आवाज हमारी पहुंच रही है, सबसे पहले फौजी कर्मी की तरफ से, हमारा पीवाईसी पट्टी अफगान यूथ क्लब की तरफ से, फौजी भाइयों की तरफ से सभी को हाथ जोड़ के राम राम ले लो। और भगत सिंह की प्रतिमा हमारे गांव में लगी, बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा काम ये हो गया। लेकिन फायदा जब है, जब हर साल पूरे साल में कम से कम एक बार प्रोग्राम भगत सिंह के नाम से भी हमारा करने का दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है यहाँ पे। इसीलिए हमने यहाँ पर इस साल से प्रोग्राम चालू कर दिया भगत सिंह की जयंती पर, जो हर साल प्रोग्राम हम यहाँ पर किया करेंगे, क्योंकि मूर्ति लगाने का फायदा तभी है। और आज जो प्रोग्राम आप लोगों के बीच में है, पिछली साल भी हमने रेस करवाई थी बच्चों की, और हमने वादा किया था कि हर साल हम जो है बच्चों की रेस करवाया करेंगे। और 26 तारीख को जो बच्चों की रेस करवाई थी उसके अंदर 129 आपके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था भाई, 6 साल तक लेके ने और 60 साल तक की दौड़ हमने करवाई थी, जिसके अंदर 129 बच्चे ने भाग लिया, और 39 बच्चे जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड आई है, जिनको आज उन्हें इनाम मिलेगा। और अपने जो 60 साल तक ऊपर के बुजुर्ग हैं
उनकी भी रेस करवाई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड को जो है उनको भी नाम दिया जाएगा और सारे का दिया जाएगा। बुजुर्ग तो अपने बात में ये डिसीजन लिया था भाई बुजुर्ग है कम से कम दौड़ने की हिम्मत तो दिखाई। हमारे पास ये 12 बंदे थे, 12 के 12 बंद देंगे यहाँ पर जो है उनका मान सम्मान करेंगे जो भी हमारे से यहाँ पर होगा। और जो बच्चे लेक्चर देंगे, भाषण देंगे, जो स्पीच जो बच्चे चुप रहना भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आएंगी उनको तो इनाम देंगे देंगे, क्योंकि ये सारी लड़कियां हैं मैंने देख लिया बच्चे बेटिया इनाम सारी छोले ने मिला 10-12 जितनी भी है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो निकले निकलेगी लेकिन इनाम चार चौथा पांचवा छठा चक्का में नंबर आओ सबको याद दिया जाएगा, मान सम्मान सारी बच्चियों का किया जाएगा। जो हमारे फौजी यहाँ पर बैठे हैं, महावीर जी बैठे हैं, राम कुमार जी बैठे हैं और अपना कौन सा लग रही है अपना रोशन भी भाई, आप लोगों ने डिसाइड करना है बच्चों का जो लेक्चर देंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी बच्ची निकली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का फैसला आप लोगों ने करना है, ध्यान से सुनना सभी का बात। और भाई क्योंकि जो फौजी होते हैं फौजियों का निर्णय जो होता है वो बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं होता, फौजी आदमी जो है ईमानदारी और वफादारी जो है ये बिल्कुल इनकी पक्की होती है, चाह के भी नहीं छोड़ सकते, देश के प्रति समाज के प्रति गांव के प्रति हमारा लगाव होता है, ये हमारे को बेसिक ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जो स्टेट नेशनल के अंदर पोजीशन लेके आए हैं, ये भी हमने बोला था कि भाई हर साल इन बच्चों को सम्मान किया जाएगा, इस साल जो बच्चे बाहर से पोजीशन लेके आए हैं सूबे लेवल पे राष्ट्रीय लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको भी जो है यहाँ पर मान सम्मान उनका भी किया जाएगा। तो सबसे पहले स्पीच से शुरू करते हैं, भगत सिंह के जीवन शैली के ऊपर जो स्पीच प्रतियोगिता है वो यही इसी मंच के ऊपर होगी। तो सबसे पहले मैं नाम बोलता हूँ, छोटी छोटी बच्चियां भी है इसमें और बड़े बच्चे भी हैं। वाइफ ऑफ लव कुमार, एक बार जोरदार ताली बजा दो, दौड़ आई हमारी लेकिन बहुत बढ़िया हिम्मत दिखाई, ये मंच इसीलिए लगता है यहाँ पर जो है हौसला बढ़ता है पता चलता है, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो। क्रांति के जरिए भारत से अंग्रेजी सरकार भगानी है, अरे किस्मत भारत माता की दे रे अपने प्राण जगानी है, जंजीर गुलामी की हमको माँ ये जलती तोड़ पकानी है, जंजीर गुलामी की हम सही। कार्यक्रम में आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय करमवीर फौजी जी की बदौलत हमें आज इकट्ठे होकर भगत सिंह जयंती मनाने का सुअवसर मिला है। मैं डॉक्टर इन लो भीम सिंह भगत सिंह जयंती पर पोएम सुनाना चाहती हूँ। भारत माता का सपूत आजादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था, नौजवान था वह पंजाबी, गजब शहर के दिल वाला, देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला, बना हुआ था मतवाला, दिन में चैन नींद रात में उसको कभी नहीं आती, भारत माता की परवस्ता अति बेचैन बना जाती, अति बेचैन बना जाती। आजादी की लौ पर मरने वाला वह परवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था, भगत सिंह मस्ताना था। हम सब देश आजाद करेंगे कसम वीर ने खाई थी, भारत के कोने कोने में उसने जोत जगाई थी, उसने जोत जगाई थी। बांध कसम सिर पे मसाल ले क्रांति दूत था मुस्काया, गांव गांव में आजादी का परचम उसने लहराया, परचम उसने लहराया। इंकलाब का नारा देने वाला वह मर्दाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर वह भगत सिंह मस्ताना था, भगत सिंह मस्ताना था। भारत माता का सपूत आजादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो ये मंच इसीलिए लगाया गया है ताकि ये मंच ये प्लेटफार्म ही होता है, प्लेटफार्म अगर बच्चे को मिले बच्चे का तभी हौसला बढ़ता है, तभी जो है हर चीज की तैयारी होती है,
ये बहू रानी देके गई है लेक्चर हो रहा है कविता कितनी बढ़िया पढ़ लिख के कड़े इंटरव्यू देने का मौका मिल जाए, दिल खुलता है। और अभी अपने एक वंशिका डॉक्टर लोकराज से वंशिका सिमरतर लिखा था नाम आज बेटी हाँ आ गया एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ देखो छोटे छोटे बच्चों का कैसा उसका बच्चा बहुत बढ़िया बेटा माइक में देखिए इला दो नूर आखिर माइक देख जिस तरह पकड़े हैं सीधा ठीक है बंद हेलो एक क्या बोल लगी मेरी देखिए एक बार ताड़ी बजा दे भाई सुखदेव
सुखदेव और मस्ताना भगत सिंह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। संगम डॉटर ऑफ श्री सुरेश कुमार, संगम डॉटर ऑफ श्री सुरेश कुमार भैया ये हमारे बीच में आए, क्या नाम है? ठीक है आगे ना, ठीक है। अच्छा एक भाई हमारे जो रोशन कुमार, ये सेना से जो है रिश्तेदार मेजर और उसकी ऑर्डनरी लेकर के ऑर्डनरी कैप्टन रिटायर्ड है, पर जोरदार ताड़ी बजाओ जो हमारे बीच में है। और यो मेरे क्लास फेलो नरेश, ये भी हमारे बीच में पहुंच गया, काफी फोनों के बाद आया, वेरी गुड, क्योंकि फौजियों का मन चाहिए। लाई सारी कांट छाटे आवे ना पहचान में, पांचवा का ध्यान हो गया गोले के बगान में, पहरेदार चौकस खड़े सारे अपनी जान में, रे पहरेदार चौकस खड़े सारे अपनी। Respecting my chief guest and my dear friends, कर दे कर आवे मैं आवे सिमन हां आवे आवे ले आवे। About India's great freedom fighter Martyr Bhagat Singh. Bhagat Singh was a revolutionary freedom fighter of India. Bhagat Singh was one of the most important freedom fighter of India. He was born on 28 September 1907 in Banga village at Liapur district, spherical structure in Banga village. Speaker 2. His father name was Kishan Singh and his mother name was Vidyavati. His father Kishan Singh and his uncle Ajit Singh were also a freedom fighter. So Bhagat Singh was most of the freedom fighter. The title of Shaheed-e-Azam was given to Bhagat Singh for his sacrifice in young age. The most famous slogan in Club Zindabad was given by Bhagat Singh. His courage and indomitability helped India to gain freedom fighter on independence 15 August 1907. India people still pay tribute to this year for his great hero. Thank you. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। गुंजन डॉटर ऑफ विनोद, पितर सीने हाल के में काम नहीं घाट था, सारे को आराम कुर्सी अंग्रेजा का ठाट था, बट्टे बट्टे अफसर बैठे मैं हिमल की लाट था, रे बट्टे बट्टे अफसर बैठे मैं हिमल की लाट था। पच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदर, पच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लयम, राम नारायणम जानकी वल्लयम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। पच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम, पच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। पच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम, पच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया शोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया शोदा के जैसे सुलाते नहीं। पच्युतम के शिवम
कृष्ण दामोदर पच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लभ राम नारायणम जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। पच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदर पच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लभ राम नारायणम जानकी वल्लभ। ये थी गुंजन डॉक्टर ऑफ विनोद। अभी ये मानसी डॉक्टर ऑफ सुरेंद्र कुमार। मानसी आजा बेटा। चुप चाप बैठ गए एक जगह छीड़ पाई, एक नैनी खा गई बहुत भारी भीड़ पाई। ताड़ी बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। बॉक्सिंग के अंदर भी जाती है, असली बार दौड़ में दौड़ी दिया और उसी से मोटिवेशन लेकर के ये बॉक्सिंग में जान लगी। एक दो साल में छोड़ी का मेडल तैयार है। वेरी गुड स्त्री आपका है। भीड़ के मकोड़ा मारा उठा था तमीर भाई, भीड़ के मकोड़ा मारा उठा था तमीर भाई, रहा हाकारे रहोल में मची भाई, सबके होश पिकड़ के रहना मान्या धड़का, राधे भवन में बढ़ के रहना मान्या धड़का। सीने में आग और खिते में देश की भक्ति का जुनून करते हैं क्योंकि हमारे की बड़ी मैं मानसी सुपुत्री सुरेंद्र चार आज यहाँ भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आज माननीय चरणजीत मोदी जी की बदौलत हम सबको यहाँ एकत्रित होकर भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाने का अवसर मिला, और आज उन्होंने जो रिटायर्ड फौजी और ऑन ड्यूटी फौजियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया वह बहुत ही सराहनीय है। मैं उनकी दिल से आभारी हूँ। एक बार उनके जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। मोमबत्तियां बुझ गई, चिराग तले अंधेरे छाया था, फांसी के फंदे पर जब तीनों को झुलाया था, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु के मन को कुछ और निभाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। तीनों के साथ आज एक बड़ा सा काफिला था, भारत वर्ष में लगा जैसे मेला कोई रंगीला था, लेकर जन्म इस पावन धरा पर उन्होंने अपना फर्ज निभाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। मौत का उनको डर न था, शीला था, परवाह नहीं थी कि अपने प्राण को बसंती रंग का पहना चोला था, छोड़ दो माया इस जग की अपनों को भी भुलाया था, हंसते हंसते फांसी को गले लगाया था। इंकलाब का नारा लिए विदा लेने की ठानी थी, लटक गए फांसी पर किंतु मुख से उफ तक न निकाली थी, देशभक्ति को देख तुम्हारी सबने अशुकार भाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले से लगाया था। चीरा था, एक सूत्र करने का हम पर बहुत ही बड़ा पीड़ा था, हिंदू मुस्लिम के झगड़ों ने इंसानियत के रिश्ते को भरमाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। आजादी के बाद तो देखो कैसा यह लगी बीमारी थी, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लड़ना सबकी लाचारी थी, कुछ को हिंदुस्तान मिला तो कुछ ने पाकिस्तान बनाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। जातिवाद को खेल बट गया भी अपना, ये तो वो न थे जो देखा था तुमने सपना, सत्ता का खेल निराला आया, परिवारवाद भी हमने गहरा छाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। गांधी नेहरू और जिन्ना ने फिर राजनीतिक माहौल बनाया था, देश की सत्ता को के खातिर अखंडता को दांव पर लगाया था, बस अपनी बात मनवाने को देश के टुकड़े में बंटवाया था, हंसते हंसते देश की फांसी को गले लगाया था। सरहद के उस बंटवारे का आज तलक असर दिखाता है, भारत पाक की सीमाओं पर सिपाही मौत से लड़ता है, तुमने जो सोचा था वैसा कोई ये देश बना पाया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। जैसा ना तुमने
बर्बादी, देश के लोग ही कर रहे हैं आज इस देश की बर्बादी। जब जब सोचा तुम्हारे बारे में मुझको तो रोना आया था, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। वो इश्क का आलम भी गजब रहा होगा, राजा जिसमें भगत सिंह और हीर आजादी रही होगी। धन्यवाद। ताड़ी बजा दिया करो भाई बच्चों को हंसने के लिए। और भाई जो रेस करवाई थी बीच बीच में सारे प्रोग्राम पैनल में चलते रहेंगे। जो 6 साल उससे कम उम्र के बच्चों की रेस हुई है उसमें लड़कियों में जो है 6 लड़कियां दौड़ी थी और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लड़कियां आई हैं दीक्षा रणवीर की, पहला थर्ड भाई इसके अंदर थर्ड जन्नत है ये कर्मपाल की। एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ। जन्नत है कर्मपाल की, ये थर्ड आई है 6 साल से कम उम्र की बच्चियों की रेस में। थर्ड आज पहला ये दो भेज दी तने। जन्नत कौन सी बेटी, जन्नत कौन सी थर्ड में तो जन्नत तो ना खड़े हो जाएगी इतना। ले भाई ये थर्ड आई है और इसके अंदर में इसको एक ट्रैक सूट, एक स्कूल बैग और एक अंदर की एरोर, एक ज्योमेट्री बॉक्स जो बच्चे ने जरूरत पड़ा है। जो हमने पिछली बार इनको इनाम दिए थे कैश प्राइज, तो अब की बार ये डिसीजन होया कमेटी का सारी का भी बच्चों को जो है ना इनकी जरूरत की चीजें दे दो उतने पीछा। तो एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो। एक इसका नेप का ट्रैक सूट है और ये बैग है स्कूल का और इसके अंदर जो ज्योमेट्री जरूरती है तेरी बजाय। एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो। एक बार इसकी सिम दे दो। आवे कौन इस मान के साथ में न पकड़ो इसने कौन सा रख लिया। ले बेटा एक यार छोटी सी निशानी है थर्ड प्राइज लाओ जी, ये हमारे फौजी साहब दे रहे हैं। एक मिनट पहले मैं फोटो कराओ जी, गला पहले हेड फोटो कराओ। वेरी गुड, खड़े रहो फौजी साहब खड़े रहो, अभी और भी बच्चे हैं ठीक है। और सेकंड है इसमें वंशु वीरेंद्र की ये गुड़िया सेकंड है। ये सेकंड में ट्रैक सूट है, एक बैग है, एक ज्योमेट्री बॉक्स है, एक टिफिन बॉक्स है भाई। अरे किसको सील्ड देवांगे। एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ। एक सीढ़ी पकड़ा दो सेकंड की। लो जी बजा दो ताड़ी, ताड़ी रुकनी चाहिए। देखो बेटी, देखो देखो डाकना कदे। अरे भाई ये थर्ड बेटी तुम फर्स्ट है, यह है दीक्षा रणधीर की तुम दीक्षा रणधीर की प्रथम पोजिशन पे है भाई। ये इसको एक ट्रैक सूट दिया जा रहा है, एक स्कूल बैग दिया जा रहा है और एक इसके अंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, एक लंच बॉक्स है और बिरयानी के बॉक्स होगा जो भी है डिसाइड कर खाने। और एक इस पे सील्ड है। लो बेटी फर्स्ट प्राइज है, जोरदार ताड़ी बजाओगे। योग मुंडन में हम तो भाई बढ़िया क्लोज में ले वीडियो ताकि फोटो बन जाए उसकी। बजा बेटा ताड़ी थमनी चाहिए। वेरी गुड, ये वो बच्चे हैं भाई 129 बच्चे दौड़े थे जिसमें अवल रहे हैं। और अब इसी लड़के की बात बता दें, पहला स्पीच करा दें गले गले। अच्छा लड़के भी आ जाओ फिर इसी एज ग्रुप के। इसी एज ग्रुप के अंदर भाई 50 मीटर की रेस थी, 6 साल तक नीचे के बच्चे थे इसमें 8 खिलाड़ी जो है दौड़े थे, जिसमें से थर्ड पोजीशन आई है कार्तिक मिकेंद्र का, कार्तिक सन ऑफ मिकेंद्र, वही नाम इनका है। ट्रैक सूट, बैग, ज्योमेट्री और जो शील्ड, जो तुम्हें काम आने वाली चीजें नहीं दी बेटा। वेरी गुड, बजाओ ताड़ी, ताड़ी बजाया करो। वेरी गुड। और सेकंड लविश सन ऑफ नवीन, आजा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बीच में आजा, यही इनको इनाम है ट्रैक सूट, स्कूल बैग, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स। वेरी गुड, ताड़ी बजा दिया करो, ले ली फोटो की। वेरी गुड। और अभी फर्स्ट जो है बॉयज 50 मीटर में ईसीएस ग्रुप में अंशित सनोफ रामिर, क्या बात है, 50 मीटर की दौड़ में फर्स्ट आके अरुण ला गया 100 मीटर लगने खड़े होकर बात जूंगा मैं बेटा तो छोटा निकालना बात जूंगा। अरुण क्या कह लो मैंने बजा दिया और अभी फर्स्ट आया हूँ, लेकिन नाम तो 50 मीटर में दे रहे हैं इसका इस ग्रुप में। एक बार बजाओ जोरदार ताड़ी, पिछली बार जा गया था इस सप्ताह के जा गया था। वेरी गुड, खुश है खुश है। वेरी गुड। और हो गए बॉयज का कितना हो गया ना। वेरी गुड, ठीक है फिर साहब, थैंक यू, धन्यवाद। और अभी स्पीच के लिए फिर हम अगले जो है गुड़िया उसको बुलाते हैं भाई। ये है मुस्कान डॉटर ऑफ
सुरेंद्र कुमार सबके छक्के छूट के भाजन लागे बीता कैसर लाग लाग फूट के कितने बाहर संतरी थे सबके गोटे टूट गए कितने बाहर संतरी थे सबके गोटे टूट गए। मेरी तरफ से भगत सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माननीय करमवीर फौजी जी की बदौलत हम सबको यहाँ इकट्ठे होकर भगत सिंह जयंती मनाने का अवसर मिला। आज मैं आप सबको भगत सिंह जी के जीवन शैली के बारे में बताना चाहूँगी। उनकी तड़ती रही लाशें सड़कों पर गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया चरखे से आई आजादी तो फांसी पर लटकने वाले 20-25 साल के जवान कौन थे क्रांति वीरों की जब भी बात होती है उस श्रेणी में भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर होता है। गुलाम देश की आजादी के लिए उन्होंने अपनी जवानी तथा संपूर्ण जीवन दांव पर लगा दिया। देशभक्ति के भाव से ओत प्रोत शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के जिले रायपुर गांव होगा वर्तमान पाकिस्तान में 28 सितंबर 1907 को एक देशभक्त परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती को कहते हैं पूत के पांव तो पालने नहीं दिख जाते हैं भगत सिंह के बचपन के कारनामों को देखकर लोगों को यह आभास हो गया था वीर और निर्भीक है। जब उनका जन्म हुआ तो परिवार में खुशियों की बाढ़ सी आ गई थी तो उनकी दादी ने उनका नाम भागो वाला अर्थात भाग्यशाली रख दिया। बाद में उन्हें भगत सिंह के नाम से जाने जाने लगा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से प्राप्त की। बाद में उनका दाखिला लाहौर के डीएवी स्कूल में करवा दिया गया। बाद में जब उन्हें विवाह के बंधन से बांधने की बात हुई तो वह लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। उन्होंने कहा भारत माँ की आजादी ही मेरी दुल्हन है मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूँगा। फिर देश की आजादी के संघर्ष में ऐसे रंग गए कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए जिस साहस का शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का सामना किया वह नौजवानों के लिए आदर्श बन गया। 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वे अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर देश के आंदोलन में जा गए। इसके बाद भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की सहायता लेकर ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए उन पर गोले और बम भी फेंके। बाद में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। 23 मार्च 1931 की शाम को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। कहा जाता है कि वह तीनों फांसी तक जाते समय मेरा रंग दे बसंती चोला गीत मस्ती में गाते हुए जा रहे थे। जिस वक्त भगत सिंह को फांसी दी गई वह सिर्फ 23 वर्ष के थे। भगत सिंह की जीत मरने के बाद सब कुछ देश को समर्पित कर दिया। आज भी सारा देश उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से याद करता है। चूमना पड़ता है फांसी का फंदा चरखा चलाने से इंकलाब नहीं आता। मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है ऐसे जवाब शहीद भगत सिंह भारत की शान है। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन करना चाहूंगी। धन्यवाद। क्या बात है, चूमना पड़ता है फांसी का फंदा चरखे से इंकलाब नहीं आता। बहुत बढ़िया भाषण देके गई है गुड़िया, एक बार और जोरदार ताली बजा दो। ये थी मुस्कान, नोट करना फौजी साहब, जो थोड़ी देर बाद से देखिए मुस्कान। और भाई अभी अगले जो अपने बच्चे हैं ये 8 साल के बच्चे, ये 8 साल के जो हैं लड़कियों में 5 खिलाड़ी दौड़ी थी जिसमें रख दो तो भाई ये जो थर्ड पोजीशन आई है बेटा ये 8 वर्ष के खिलाड़ियों के ट्रैक सूट होंगे 8 वर्ष वाले, मैं तो खोल के देना ठीक है कोई छोटा बटन चल जाए तो जाओ। 8 वर्ष के खिलाड़ियों ने ट्रैक सूट दिए उनको जो उनके नाम बोलना
8 वर्ष वाले खोल लो, 6 के 6 वही दिन है। इसमें जो है 5 खिलाड़ी दौड़े थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उनका नाम बताता हूँ लड़कियों का। सबसे पहले 8 वर्ष की लड़कियों में थर्ड आई है रिया नरेश कुमार की, और इसको इनाम देने के लिए हमारे फौजी साहब, हाँ थर्ड थर्ड सबसे पहले थर्ड का नाम बोला। माविन जी आप जाओ इन बच्चों को, हाँ इनका 6 टीम है, सबको बुलाओ। ये भाई थर्ड नंबर पे आई है रिया नरेश कुमार की, एक ट्रैक सूट इसके नाम का, एक स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स और एक या सीड। एक बार बढ़िया फोटो बना दिए बच्चे ने, हमारे महावीर जी इनको सम्मान करें फौजी साहब। और सेकंड पोजीशन है इसमें भाई गीत राजेश की, गीत राजेश की 8 वर्ष एज ग्रुप के अंदर यह छोरी जो है सेकंड आई है, ट्रैक सूट, स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स और एक स्कर्ट सीट। बजाओ जोरदार ताली बजाओ, फोटो ताली के सामने एक बार। और प्रथम चैंपियन इस रेस की 8 वर्ष 100 मीटर में भाई अपनी प्रतिभागान की दीपिका डॉटर ऑफ अनिल संधू, दीपिका अनिल संधू की है क्या बढ़िया, आज बेटी क्या बात, बहुत बढ़िया बजाओ। अरे भाई एक और सुन लो रे, जो ये तो गणी यानी है बच्ची है 6 साल की 8 साल की, जो 10 साल और 10 साल तक ऊपर का बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड का इनाम लेके जावे ना, देखो परी साइड बेटा फटत रहा बजाओ भाई ताड़ी सीट ऊपर रख ले, ये प्रथम प्राइज है छोरी का। 10 साल तक ऊपर का बच्चा जो है ना, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन रेस में आया, इसका मतलब बच्चा प्लेयर बन सकता है। उस बच्चे को अपने गांव के कोच है, जूडो कोच है जूडो में डालो, बॉक्सिंग कोच है बॉक्सिंग में डालो, कुश्ती कोच है कुश्ती में डालो, लड़की है चाहे कोई लड़का है, और 2-4 साल के अंदर मेडलों की जड़ी लगा देंगे। प्रोग्राम करने का हमारा पर्पज यही है, क्योंकि हम खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, हम चाहते हैं कि और भी स्पोर्ट्समैन निकले। और भाई अभी इसके अंदर जो है लड़के, इसी में 14 खिलाड़ी दौड़े थे भाई 100 मीटर में 8 साल ग्रुप में, 14 बच्चे गामड़ी के दौड़े थे, जिसमें ये 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं। इसके अंदर थर्ड आया है मैकडूल सन ऑफ अनिल, मैकडूल सन ऑफ अनिल, आगे बेटे ट्रैक सूट, स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, शील्ड, ये सारी काम आने वाली चीजें बेटा तारी। ओके भाई फोटो वेरी गुड, बता दे एक बार तारी भाई, शाबाश। और भाई इसके अंदर सेकंड पोजीशन रही है अभिनव सन ऑफ जोगिंदर जूडो कोच है, जो जोगिंदर उर्फ कनवा जो जूडो कोच है मेरे चाचा का लड़का, उसका बेटा ही अभिनव जोगिंदर का आया क्या आ जा रहे, ये सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। फोटो खिंचवा, फिर मम्मी भी आई है, क्यों हमने क्या कहा था जरूर आई। और 100 मीटर इसी में 8 वर्ष इस ग्रुप में इस रेस का जो चैंपियन है आदित्य सन ऑफ नरेंद्र, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ, ये फर्स्ट आया है 14 बच्चों में, खाली शर्ट देख बेटा ए बाप हर ले बजा दो ताड़ी एक बार और फिर वेरी गुड फौजी साहब धन्यवाद। और अगला जो बच्चा है ये लेक्चर के लिए फिर स्पीच के लिए बीच बीच में चलता रहना चाहिए ना, पूजा, पूजा डॉटर ऑफ ईश्वर सिंह। सिटी ऊपर सिटी बाजी पुलिस फिर मारो मार, पीपी पीपी होने लागी चोगर तेने खड़के तार, थाने में ते गारड बाजी पर मोटर लारी कार, थाने में ते गारड बाजी पर मोटर लारी कार। मैं उन्हें सुपुत्री श्री ईश्वर सिंह की सभी पट्टी उबार के बच्चे
मन आज कहो तुम कोई नहीं कहानी, ना हो जिसमें कोई राजा, मैं हो कोई रानी, आजादी के रंग भरे हो वो देश प्रेम से तानी, कह दे मनवा भगत सिंह की कह दे आज कहानी, हंसकर चले दीवाने जब फांसी थी उन्हें लगानी, बाहों में बांधे डाल के यार के थे निकल पड़े सैलानी, रो न सकी माँ भगत सिंह बने थे आजादी के मानी, मरकर भी न मरे कभी थे वीर बड़े बलिदानी, देश की आजादी पर अपने जान की दी कुर्बानी, भूल नहीं सकता कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी, देश प्रेम हो मन में उनसे सुनो भगत सिंह की कहानी, अंग्रेजों ने मुंह की खाई उन्हें याद आ गई नानी, भगत तुम्हारे नाम लिखा दी मैंने आज जवानी, आजाद है भारत आज है पर पिछड़े पन पर हैरान, देशवासियों याद करो उन वीरों की दीवानी, नौछावर हो गए देश पर जो शहीद अभिमानी, भगत सिंह सबको पसंद है लेकिन बनना कोई नहीं चाहता, सही रास्ता सबको मालूम है बस उस पर चलना कोई नहीं चाहता, अच्छी बातें हर कोई करता है आजकल पर उस पर अमल कोई नहीं करता, चाहते हैं सब आसमान छूना पर जमीन को छोड़ना कोई नहीं चाहता, जीवन खूबसूरत भ्रम है मृत्यु कड़वा सच है, जीवन खूबसूरत भ्रम है मृत्यु कड़वा सच है, बस मरना कोई नहीं चाहता, ऐसी ही कविताएं हमें देती है सीख जिंदगी की, पर फुर्सत में भी उन कविताओं को पढ़ना कोई नहीं चाहता, मैं अपनी कविता का समापन करते हुए माननीय श्री करमवीर फौजी जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का हौसला बढ़ाया, इसलिए मैं उनके दिल से आभारी हूँ, एक बार माननीय श्री करमवीर फौजी जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाए, थैंक यू, जय हिंद। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा बेटा भाषण देके गई, और भाई ये बच्चे मेरा नाम लेते हैं हर बार, मैं तो एक जरिया हूँ, अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये जो हमारा 80 बंदों का ये पूरा इसी ग्रुप है, किसी बंदे ने काम हो जाए कोई आ जाए 20-30-25 हम एकदम इकट्ठे रहो, हाँ तो इसे काम के लिए सारे तत्पर हैं, मैंने तो सभी ड्यूटियाँ बांट दी थी, किसी ने बैट लगवाने बोल दिया था, किसी ने टैंक लगवाने खतर बोल दिया था, किसी ने स्टेज तैयार करने खतर बोल दिया, किसी ने सिल्ड तैयार करने खतर बोल दिया, तो सारा टीम वर्क है, हम तो एक जरिया है, हम तो चाहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहे हर बार, तो अभी अगली जो है ये अरे नाम बांटते क्या अगले बच्चा आगे को कवाल चले लेक्चर कवाल, ये सलंकी है वेदपाल सिंह की, इंतजाम पुलिस का हो क्या फिर तखत चौकरते है अड़के रहना मान्या धड़का राज भवन में बड़के रहना मान्या धड़का राज भवन में बड़के मेरा नाम सलोनी है, मेरे पिताजी का नाम श्री कुछ विचार आपके सामने व्यक्त करना चाहती हूँ, जननी चिताओं का हिस्सा बाकी है, अमन का नया अफ्ताब बाकी है, अमन का नया अफ्ताब बाकी है, पल रहे आंखों में ख्वाब तिरंगे के, पल रहे आंखों में ख्वाब तिरंगे के, मुल्क में शहादत का सैलाब बाकी है, मुल्क में शहादत का सैलाब बाकी है, जन्मा भगत सिंह साहबी जिस माटी में, जन्मा भगत सिंह साहबी जिस माटी में, लहर धारने वाला पंजाब बाकी है, लहर धारने वाला पंजाब बाकी है, बच्चा बच्चा बन जाए भगत सिंह, बच्चा बच्चा बन जाए भगत सिंह, मेरे वतन में यह इंकलाब बाकी है, मेरे वतन में यह इंकलाब बाकी है, आजाद भगत को हर जरूरत पूरी हो, वह वीर शहीद का यह ख्वाब बाकी है, वीर शहीद का यह ख्वाब बाकी है, धन्यवाद। बहुत अच्छे वेरी गुड, या भाई
पूजा थी लड़की मुझे साहब जो बोल रही है। और अभी आगे बढ़ते हैं, जो बच्चे रेस लगा के आए थे उनको नाम देते थे अगली उसमें। 2011 2012 टेक ओवर लगभग 10 वर्ष के बच्चे, इसके अंदर 10 खिलाड़ी दौड़े थे, 10 बच्चे दौड़े थे, जिसमें थर्ड सेकंड थर्ड जो बच्चे आए हैं अब उनको पुरस्कारित किया जाएगा। ये पहले लड़कियां, ये लड़कियां सुनो बेटी, ये उसी मार दिए फुहार आड़े पाछ हो रहे हमारे ऊपर भी कनौड़े मारते। ये मनप्रीत डॉटर ऑफ चरण सिंह, ये थर्ड आई है भाई 200 मीटर 10 वर्ष एज ग्रुप के अंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। इसको ट्रैक सूट, स्कूल बैग, ज्योमेट्री शील्ड, बाबू जी किसी जी। ये रोशन कुमार जो हमारे एक्स फौजी और री कैप्टन, इनको सम्मानित करेंगे, ताड़ी भी जानते लगे ना। थर्ड आई है छोरी, और भाई सेकंड नंबर पे जो आई है प्रीत डॉटर ऑफ राजेश, प्रीत डॉटर ऑफ राजेश, बच्चे के नाम पे भी ताड़ी बजा दो, बड़ी सेवा कर रहा है। इस गुड़िया के नाम पे भी ताड़ी बजाओ, सेकंड आई है या प्रीत, वेरी गुड प्रीत राजेश की सेकंड आया छोरी। मनप्रीत हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया फर्स्ट का। और भाई 10 वर्ष 200 मीटर में जो इस रेस में 10 खिलाड़ी थी चैंपियन रेस में, या मेरा ही छोरी दीपांशु डुब्बू बोल रहा हूँ जिसने, अरे बेटा एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो। स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, ट्रैक सूट, अरे वो वेरी गुड। अभी लड़का नाम करा, ये तो लड़कियां थी भाई, और जो लड़के हैं इस एज ग्रुप के, इसके अंदर 14 खिलाड़ी दौड़े थे, 14 बच्चे दौड़े थे, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है बता रहा हूँ अभी, तीसरे नंबर पे भूमिश सन ऑफ सुनील थर्ड है, भूमिश सन ऑफ सुनील है के भूमिश है, अरे भूमिश है के, आज जल्दी सन ऑफ सुनील, ये थर्ड पोजीशन पे है भाई। ताड़ी बजा दे करो उन बच्चे के नाम पर। फोटो पड़ी तेरी, इसे छोड़ दे थोड़ी देर तू, ठीक है। और भाई इसी एज ग्रुप में सेकंड है सूर्यांश सन ऑफ सत्यवान, तेरा बाप हमारा क्लास कर लो था उसे सत्यवान का बताओ, वेरी गुड। और भाई इसी एज ग्रुप के अंदर 200 मीटर रेस में जो 14 खिलाड़ियों में चैंपियन रहा है वो है हरमन सनो सतबीर, फर्स्ट पोजीशन पे, बता दे ताड़ी इस बच्चे के नाम से। थैंक यू फॉर दिस, बहुत बढ़िया। मांगेराम में छंद कंद उनके ये विचार हुए, ऊठ के न बातन खातर एकदम वे तैयार हुए, घेरे के माँ के 500 दरवाजे ते बाहर हुए, घेरे के माँ के 500 दरवाजे ते बाहर हुए, आँख सी बचा के चले पांचों भाई चुपचाप, आत्मा से किया हुआ चेहरे ऊपर आ गया आप, थोड़ी सी में दूर गए पुलिस ने फिर लिए बाप, थोड़ी सी में दूर गए पुलिस ने फिर लिए बाप, ए रहे रा फेरी प्रकरण मिले ना वे तेरा प्लेस यामी भिड़के
अब इतने खड़े हम दो मिनट। बहुत अच्छे भाई, देखो आप लोगों को मैं बता दूं, फंक्शन तो बहुत है गांव में, सारे लाइव प्रोग्राम हो, लेकिन इस ऐसा प्रोग्राम के अंदर बड़ी मेहनत होती है हमारी, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आया करो और ये पूरा प्रोग्राम जिस टाइम संपन्न हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग जाइए, क्योंकि 8-10 दिन हो गए हम लग रहे हैं इस सारे प्रोग्राम के अरेंजमेंट के लिए, और ये निस्वार्थ भावना से प्रोग्राम है सारा, आप लोगों को हम बता दें इसमें कोई वाला कोई स्वार्थ नहीं है। आपने चाहा भाई हमारा गांव जो है स्पोर्ट्स के अंदर सदा अवल रहे, इसके अपने डिस्ट्रिक्ट में आरोग्य में स्पोर्ट्स के अंदर अवल रहे, बच्चे नशे पत्ता की तरफ ना जाएं, जो आज के बच्चे हैं ये खेलना के अंदर जाएंगे तो अपना शरीर ना बचा के रखेंगे, ये बच्चे हमारा मेन मोटो यही है, और जो बच्चे पीछे रहे हैं भी अच्छी तैयारी करेंगे, नशा से बच के खेलना की तरफ जाएंगे ताकि आगे आने वाली नस्ल हमारी जो बच्चे, हमारा मेन मोटो यही है, हमारा कोई और यह फल तो इसमें सिस्टम को आप सोचो, ये किसान पालना से पूरी टीम मारी लगी हुई है। बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज माननीय श्री फौजी करमवीर की बदौलत हमें यहाँ भगत सिंह जन्मदिवस मनाने का मौका मिला। आपने जो खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़कर और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया है वह बहुत ही सराहनीय योग्य है। मैं पुत्री श्री चांदीराम आज भगत सिंह के जन्मदिवस पर आपके सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। क्रांतिकारों की जब भी बात होगी उस श्रेणी में भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर होगा। ग्राम देश को आजादी के लिए अपनी जवानी तथा संपूर्ण जीवन भगत सिंह ने देश के नाम लिख दिया। शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के जिला लैलपुर गांव का वर्तमान पाकिस्तान में 28 सितंबर 1907 में एक सच्चे देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम सरदार किशन सिंह कौर, माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई थी और प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने के पश्चात 1916 से 1917 में उनका दाखिला लाहौर के डीवी स्कूल में करवा दिया गया था। भगत सिंह का संबंध देशभक्त परिवार से था, वह शूरवीरों की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। साथ ही विद्यालय में उनका संपर्क लाला लाजपत राय तथा अम्बा प्रसाद जैसे क्रांतिवीरों से हुआ। उनकी संगति में अब भगत सिंह के अंदर की शांत ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में आ रही थी और इन सब के मध्य 1902 में हो रहे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भगत सिंह ने देशभक्ति के जोश को चरम पर पहुंचा दिया। 13 अप्रैल 1919 पंजाब में स्वर्ण मंदिर के समीप जलियांवाला बाग नामक स्थान पर बैसाखी के दिन डायर ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाकर हजारों लोगों को हत्या तथा अनेक लोगों को घायल कर दिया। इस घटना का भगत सिंह पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा एवं यही घटना ही भारत के अंत की शुरुआत का कारण बनता है। 23 वर्षीय नौजवान भगत सिंह ने जीते जी तथा मरने के बाद भी अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। उनकी जीवनी पढ़ते समय लोगों में जोश का उत्पन्न होना उनके साहस के चरण को दर्शाना है। धन्यवाद। सुनील सुनो सतवीर ये रह कर पेशम कदमा सैसन साहब के भाई रह कर पेशम कदमा सैसन साहब के भाई भारत माता के वीर जवानों का पट्टी अफगान के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता है, गायन का अभिनंदन व्यक्त करता हूं। हमारे देश में हमारे पट्टी अफगान के आदरणीय श्रोताओं, अब मैं हम सब की ओर से आदरणीय फौजी करमवीर सिंह जी का अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे गाँव में इतना अच्छा प्रोग्राम कराया और भगत सिंह जी के ऊपर भाषण प्रतियोगिता कराई, और इसी दिशा में मैं अपने विचार आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 28 सितंबर 1907 का वो दिन जिस दिन इस भारत माँ के वीर स्पूत का जन्म माँ देवी स्वरूप माँ विद्यावती की कोख से हुआ।
इनका नाम भगत सिंह रखा गया, लेकिन कोई इन्हें आज सरदार भगत सिंह के नाम से ही पुकारता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देश के नाम शहीद होने वाले का ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता है, वो देश का एक वीर सपूत होता है जो अपनी भारत माता के आंचल की रक्षा करते हुए सदैव सदैव के लिए अपनी भारत माँ की कोख में सो जाता है। भगत सिंह बचपन से ही बहुत ही अच्छे पढ़ाई में होशियार थे, जिन्होंने अपने बचपन में ही स्टडी से अलग 50 से अधिक किताबें पढ़ डाली थी और 13 अप्रैल 1919 तो वो दिन जिस दिन भगत सिंह के दिमाग पर वो आजादी का भूत सवार हुआ और ये भूत 15 अगस्त 1947 को जाकर पूरा हुआ। लेकिन भगत सिंह भाग्यशाली नहीं रहे कि वो हमारे देश की आजादी को नहीं देख पाए और 23 मार्च 1931 को उनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। लेकिन भले ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया, लेकिन आज भी हमारा देश राजनेताओं और नशाखोरों का गुलाम बन चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भगत सिंह के विचारों, उनकी भावनाओं को अपने जीवन में उतार कर इस देश को आजादी दिलाने का काम करें। ये आजादी राजनेताओं से और नशे की गुलामी से होनी चाहिए। धन्यवाद। पांचवाने लेकर चले साथ में फिकार भारी, ले रहे थे बंदूक सारे लोड कर रे न्यारी न्यारी, गले में रुंदा की पेटी हमने संथा सरे कारी, गले में रुंदा की पेटी हमने संथा सरे। मौके पे चला में गोली, पुलिस ने था इंतजार, हुक्म लेने की नहीं जरूरत आप एसपी की सरकार, चोगर दे पिस्तौल ले रे 20-30 थानेदार, चोगर दे पिस्तौल ले रे 20-30 थानेदार, लगा हथ कड़ी रगैल होलिए पूरे 105 सिपाही रे करया पेश मुकदमा सेशन साहब। मोनी डॉक्टर ऑफ सतवीर चार आजा बेटा, मोनी डॉक्टर ऑफ सतवीर चार। सभी पट्टी अफगान निवासियों को मेरी तरफ से भगत सिंह के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोनिका आज यहां आप सबके समक्ष भगत सिंह की जीवन शैली के बारे में बताना चाहती हूं। शहीद भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के एक सिख परिवार में बंगा गांव के लायलपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। इनके पिता किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे। यही कारण था कि भगत सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी बनने की ओर आकर्षित हुए। भगत सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने बहुप्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई थी। अपने इस योगदान के लिए सभी भारतवासियों को शहीद भगत सिंह तथा उनके साथियों पर बहुत बहुत गर्व है। कुछ पंक्तियां भगत सिंह की शान में, भगत सिंह का नाम उसका मुख सूरत से भी प्यारा था, तेज झलकता था मुखमंडल पर, भारत माँ का राज दुलारा था, खून से लथपथ माटी दे दिमाग भगत का भी घूमा था और निर्दोषियों के खून से सनी उस मिट्टी को भगत सिंह ने भी चूमा था। बात खुदे की सबसे पहले भगत सिंह ने पहचानी थी, अरे वीरों के हथियार गिराए तब भूल शुरू हुई अंग्रेजों की मनमानी थी। जेल में अधिकार नहीं मिलने पर क्रांति वहाँ भी जारी थी और भगत सिंह को जेल से लाकर अंग्रेजों ने भूल कर दी भारी थी। भूख प्यास सब सहते रहे और रंगती बसंती चोला गाया था, ना जाने रब ने जब ना जाने रब ने कौन सी मिट्टी से ऐसा वीर सपूत बनाया था। भगत को इंसाफ उस दिन सोया था, भारत का बच्चा बच्चा उस दिन फूट
फूट कर रोया था। कैसा ये जमाना है जो उन वीरों को आज भूल गया, आजादी के लिए जो भगत सिंह फांसी पर जो झूल गया। जी फसेबे की कायल है दुनिया, उसकी यह कहानी है। इस आजादी को मत बर्बाद करो, जिसके लिए वीरों ने दी कुर्बानी है, जिसके लिए वीरों ने कुर्बानी है। धन्यवाद। अंग्रेजों का राज हुक्म टल नहीं सके मूल, हथकड़ी लगाई ऐसी हाल नहीं सके मूल, पाया के मा डाली बेड़ी चाल नहीं सके मूल, पाया के मा डाली बेड़ी चाल नहीं सके मूल। लगी तारीख कचहरी में मुलजिमान ने लेके आए, कागज पेश करे सारे खतरनाक बतलाए, पांचों भाई तने खड़े बिल्कुल नहीं घबराए, पांचों भाई तने खड़े बिल्कुल नहीं घबराए। फिर प्यान लिखण की रे खातिर फिर शीशन ने कलम उठाई रे, करिया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई रे करिया पेश। 2008 2009 2010 डेट ऑफ बर्थ के बच्चे हैं, 400 मीटर की रेस थी सबसे पहले लड़कियों की, इसके अंदर जो है 13 खिलाड़ी दौड़ी थी और फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम यहाँ इनाम देने लग रहे हैं। थर्ड आई है माफी कपूर की, ताड़ी बजा दे करो भाई, माफी कपूर की। थर्ड है और इसका ट्रैक सूट शील्ड स्कूल बैग ज्योमेट्री बॉक्स बोलो बेटा, और नरेश फौजी बैठे 18 जाट से पेंशन रहे हैं, ये अभी इन बच्चों को जो है इनाम देकर सम्मानित करवा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो सेकंड आई है लड़की वो है कनिका, डॉटर ऑफ विजेंद्र राज, विजेंद्र की कनिका, आज बैठी बहुत बढ़िया, बजाओ ताड़ी, बहुत अच्छा है। और भाई जो तेरा खिलाड़ियों में फर्स्ट नंबर 400 मीटर की शेष ग्रुप की चैंपियन रही है वो है सिमरन, डॉटर ऑफ विक्रम सिंह, फर्स्ट पोजीशन, ताड़ी बजा दे करो। बहुत अच्छे। और बच्चा तुम गेम में भी जाना शुरू कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जोड़ से आइए तीनों। और भाई भी इसी एज ग्रुप में लड़के 400 मीटर में भाई 18 बच्चे दौड़े थे, ये 18 बच्चे दौड़े थे जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए थे, इस एज ग्रुप में लगभग 11-12 साल के बच्चे थे ये, विनीत सन ऑफ अश्विनी थर्ड नंबर पे। बजाओ ताड़ी। और सेकंड नंबर पे यूनिस सन ऑफ यशपाल, ये सेकंड पोजीशन है इसकी, पकड़ लेगा सीट भी लेना पकड़। और इन 18 खिलाड़ियों में पहले नंबर पे आके जो इस 400 मीटर में चैंपियन रहे हैं वो शुभम सन ऑफ जसवीर सिंह, फर्स्ट पोजीशन है, बजाओ ताड़ी। बहुत बढ़िया। अब भाई जो 10-11 साल से ऊपर के बच्चे हैं ये इनके लक्षण दिखाई देते हैं, प्लेयर बन सकते हैं, इनके पेरेंट्स से प्रार्थना है इनको स्पोर्ट्स के अंदर भेजो ताकि 18 साल 19 साल के उनके भोजपुर में लग जाए। हाँ थैंक यू फ्रेंड्स साहब। और अभी आगे फिर स्पीच के लिए बुलाना चाहता हूँ मैं कृतिका है ये डॉटर ऑफ क्रिएशन। एक बार कहो खोट थारा सेक थारा नहीं, सांडरस अंग्रेज तुमने मारा सेक मारा नहीं, बैंकों के माटा का तुमने डालिया सेक डालिया नहीं, बैंकों के माटा का तुमने डालिया सेक डालिया नहीं, पार्टी बना के मेल जोड़ा सेक जोड़िया नहीं, सरकारी कानून तुमने तोड़िया सेक तोड़िया नहीं, असेंबली में गोला तुमने फोड़िया सेक
फोड़ा नहीं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ। ये एक सिख परिवार से हैं। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ लेखक भी थे। भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए अब जो है इन बच्चों में 400 मीटर रेस, लड़कियों में 4 खिलाड़ी दौड़े थे। इसके अंदर 4 छोरियां थी जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 गुड़िया आई हैं। उनको नाम के लिए मैं बुला रहा हूं। पर सबसे पहले थर्ड पोजीशन पे 2005-6 की डेट होगी। भाई ये जो है इन बच्चों को हमने बैग में थोड़ी तब्दीली करी, इनको स्पोर्ट्स बैग दिया है खेलो ना, क्योंकि लड़के खेलने में जाकर ही आगे 14-15 साल की जो भी है इनको हमने बैग दिया स्पोर्ट्स वाले। और इनको इनाम दिया है जो फर्स्ट थर्ड जो लड़की उसको जो ये कागजी बजाने की गिरी आधी किलो, क्योंकि बच्चे का पेट में पड़ जाएगी, बढ़िया खाना पीना खुराक इनको देना नमराशि फंसा पैसे से। और जो सेकंड लड़की आई है उसके बैग के अंदर 1 किलो कागजी पजामा गिरी है। जो फर्स्ट आई उसके 1.5 किलो कागजा जो पजामा ही गिरी है। और एक शंकर है और ये अपना ट्रैक सूट है, एक शील्ड है और एक इसके अंदर जो होगा डबल एग्जाम। ये थर्ड नंबर पे थर्ड आओ जी फर्स्ट ये बटन नहीं लास्ट में बटन दो आगे तो आजा मंदिर मंदिर पर हमारा जो ये यंग फौजी है ये समांत करेंगे। सबसे पहले थर्ड नंबर पे सिमरन मेराली बेटी है फौजी करमवीर, थर्ड पोजीशन आई है इसकी। बहुत टफ कॉम्पिटिशन था क्योंकि ये सारी खेलने वाली लड़की लड़की हैं। और ये एक शेड ट्रैक सूट शेंकर आधा के जी बदाम गिरी एक जो है स्पोर्ट्स बैग से स्वागत किया जाएगा बच्चों का। और सेकेंड नंबर पर रही है गीतू डॉटर ऑफ राजेंद्र, गीतू डॉटर ऑफ राजेंद्र एक ट्रैक सूट स्पोर्ट्स बैग 1 किलो बादाम गिरी एक शंकर और एक जो है सिंह। एक बार जोरदार ताली बजाओगे। और भाई ओवरऑल चैंपियन है जो इस एज ग्रुप में फर्स्ट आई है 400 मीटर की रेस में वो है नीतू डॉक्टर ऑफ सुरेंद्र। बजाओ एक बार जोरदार ताली बच्चे के नाम से। यह सुरेंद्र की छोरी है सुरेंद्र सुरेंद्र 1.5 किलो बादाम गिरी कागजी स्पोर्ट्स बैग ट्रैक सूट शील्ड सेंटर। और अब बॉयज बेटा शोर ना करो, साइलेंट साइलेंट हो जाओ चुप। और बेटा ये मैंने पहले भी बताया था जो बच्चा खेलने में जाएगा और मेडल जीत के ले आएगा उस मेडल जीतने में भी हम नाम दिलाएंगे और बड़े टूर्नामेंट के लिए। इसीलिए आप भी तड़कना स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर जाओगे तो गांव के लेवल पर आप लोगों ने पास कर रहे हो ताकि आप डिस्ट्रिक्ट में जाकर आगे मेडल स्टेट में नेशनल में जाओ। ठीक है, यूँ फायदा आप लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए प्रोग्राम है। और अभी जो जैक से म्यूजिक बंद करिए, जो लड़के हैं म्यूजिक बंद कर रहे हो, लड़के हैं जो इस एज ग्रुप के भाई लगभग 14 साल से ऊपर तले हैं। इसमें जो थर्ड नंबर पे है नीरज सन ऑफ सुमेर, नीरज सन ऑफ सुमेर ये थर्ड पोजीशन है भाई इसकी।
इसको एक शेखर आधी किलो बादाम की गिरी कागजी की स्पोर्ट्स बैग ट्रैक सूट रेक सिंह बाजी तो ताड़ी होगा। और भाई सी एस ग्रुप के अंदर जो सेकंड पोजीशन है वो अनुष सन ऑफ महावीर बजाओ ताड़ी एक बार। और भाई 800 मीटर ईसीएस ग्रुप के अंदर 13 खिलाड़ी दौड़े थे टोटल, जिसमें से चैंपियन रहे रोहित सनोह बलजीत फर्स्ट पोजीशन पे। रोहित सनोह बलजीत वहां क्या बजा दे ताड़ी। 1.5 किलो बादाम गिरी स्पोर्ट्स बैग शेखर ट्रैक सूट और एक शीट। ओए नीचे बैठ। मेरी आर्टिस्ट यहाँ गुरप्रीत कौर आई हुई है जो गांव ढोर से है, जो फोक गीत जो है मेरे चैनल के ऊपर करती है करमवीर फौजी लाइव हरियाणवी फोक नाम से मैंने चैनल बनाया हुआ है। एक बार उस बच्ची को समाप्त मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन बिजनेस है मेन मोटो है मेन मोटिवेशन, अगर गुड़िया यहाँ पर आई हो तो मैंने बुलाई थी बेटा गुरप्रीत कौर, अगर यहाँ पर आई है तो एक बार जोरदार ताड़ी छोड़ी के नाम से बजा दूंगा। आज 1000 गाने बनाए इसके जो है रिलीज कर दिए मेरे चैनल के ऊपर, 1000 किसने बोले लुगाइयों के गीत। अब सारे हरियाणवी फोक है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन फिर हमारा डिसीजन दिया भाई बुजुर्ग तो जितने दौड़े ना सबका मान सम्मान करो, हम तक हम हिम्मत तो दिखाई उन्हें दौड़ने की उड़े। तो ये जो है आप लोगों के बीच में मैं नाम बोलूंगा एक एक कर काम दे रही हो। और मैं पहले आपको बता दूं कि जितने बुजुर्ग दौड़े थे 1-1 किलो देसी घी दो सारे का है। एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड का थोड़ा ज्यादा घी कर रखा है क्योंकि इन्हें तो थोड़ा की जरूरत है ना। तो सबसे पहले बल्ले राम अरे उसका की मैं खा जाऊंगा भाई, थोड़ा सा होगा देख लो साहब। बल्ले राम बना ले फोन करके इतना टाइम आ लो। आ रहे हैं परिवार में तो आ रहे हो कोई कर ले रहे। अच्छा इनको पुरस्कार किस पे दूं? आजो आंध्र दो दो ने करते रहे देखते ना। हाँ हमें जी आओ दो दो ने स्मार्ट करते रहे देखते ना। भारत मानव जी आप आजो एक आजो कोई शायद आओ जी। ये जो बुजुर्गों की रेसमी पार्टिसिपेशन किया था बल्ले राम जी 1 किलो घी से सम्मानित किया गया। और भाई राम कुमार सनोफ लालचंद आजाद जी तो बड़ा पक्ष फैल के यार
अगले का नाम ले लो, बोल ले क्या रहो। इसके बाद में राजवीर, सुनो मैं अपना सेकंड राजवीर कौन सा दूंगा था, ताड़ी बजा देगा भाई। राम कुमार एक बार जोरदार ताड़ी। और राजवीर जी आ जाओ, एक किलो की है समान के जरा को देसी। और रूपचंद्र सन ऑफ रामचंद्र, एक किलो की है समान, तोरे पर जोरदार ताड़ी बजा दो। आवा सिंह सन ऑफ रण सिंह, हमारे अंकल जी आ रहे होंगे, देखते लिस्ट में नाम आ रहा था मेरे पास, जितना का नाम मेरी लिस्ट में था सबका लिख दिया। किसी मंत्री एक किलो की, चलो जी अरे इतना योगी मुकदा इतना शब्द इस्तेमाल नहीं करना है के? और भाई हाँ चलो बढ़िया। अब ईश्वर सिंह सन ऑफ रतन सिंह, ईश्वर सिंह सन ऑफ रतन सिंह, इसके बाद तारा चंद सन ऑफ रतिराम। कौन नहीं आया तारा चंद को मंदिर पहले ईश्वर राम आया, ईश्वर जी तो आए हुए, ईश्वर नहीं फिर हो जाए ठीक है, नहीं हुआ ईश्वर अपना नहीं होगा, ये मेरी बात नहीं दे फिर मैं ईश्वर ईश्वर है नाम काल चंद ईश्वर बोले गए फिर तो कटा मेरी बाबी ने बुलाए। और उस दिन दिड़ी एक चमची भी आ जा, उस दिन कड़ी मेहनत करा तू सह कह रहा आ जा लंडा फिर तू आ जा, नहीं आंदी जब बाबी नहीं आंदी तो शर्मांदी होगी। वाह ईश्वर सिंह सर बन गए, वो तो सारे मांग रहे करो इनकर जा रहे हैं। और तारा चंद सन ऑफ रतिराम, तारा चंद की फैमिली में तो कोई आ रहा हो ले जो बेटा, अब दे दीजिए ना बुढ़े ना ऊपर आ जाओ आगे के आगे। और तारा चंद हो गया नहीं, गजय सिंह सन ऑफ सुल्ताराम, गजय सिंह सन ऑफ सुल्ताराम, गजय सिंह सन ऑफ सुल्ताराम आ जाओ भाई। गजय सिंह परिवार में आज कोई नहीं हो एक कदम का बेटी राम तभी लो ताड़ी बजा दे रहे। दयानंद सन ऑफ सुंदराम भाई, दयानंद ये बता दूं मैं सबसे आगे चल रहा था, यो दो तीन लाठी का बीचा रह गया तो टांग में टांग उड़ गई, पड़ गया फर्स्ट नंबर पे था, वैसे मैं आपको बता दूं सबसे आगे था यो, लेकिन दौड़ तो दौड़ो भाई फिर तो किस्मत की बात हो है। और भाई थर्ड नंबर पे रहे इसमें इस रेस के अंदर सुखदेव सन ऑफ मंगल, तीन किलो की है भाई का, कितना दो किलो तीन किलो चार किलो हाँ जी। ट्रैक सूट भी है किनका, बुढ़े का ट्रैक सूट भी है एक एक ट्रैक सूट है, एक सीट है, सीट तो सारे की सीट नहीं होगी औरत में फर्श एक फट गया सीट, हाँ सीट फर्श एक फट गया, और एक ट्रैक सूट और दो किलो की है, दो किलो का डब्बा रही एक सीट भी है, सीट है हाँ है फट गया सीट का। और भाई सेकंड माया सिंह सन ऑफ रतिराम, तीन किलो देसी की भाई सेकंड आया, तीन किलो देसी की एक ट्रैक सूट एक शील्ड आ जाओ जी। तो जी एक ट्रैक सूट तीन किलो की
खरीदियो। ताड़ी बजा दिया करो। पाला राम सनोब दिलीप सिंह 12 जो है टोटल दौड़े थे इसमें, जिसमें से ओवरऑल चैंपियन रहा यू 12 के बारे में फर्स्ट आया पाला राम दिलीप सिंह, जिसका है 4 किलो की एक ट्रैक सूट हर एक शील्ड। का प्लेयर बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बुजुर्ग रेस का चैंपियन है, हो गया ना फोटो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फोटो साहब। और भाई ये पलराम आज एक सर्टिफिकेट भी ले रहा हूँ, और सीधे नंबर में जो बच्चे लगे। और भाई सीधे नंबर के अंदर जो बच्चे रह गए इस रेस में जो ओपन में थे जिसमें कोई भी दौड़ सके था, लड़कियां ये जिसमें भी ये 6 लड़कियां दौड़ी थी भाई, इसके अंदर आरती डॉटर ऑफ प्रेम जागला थर्ड पोजीशन पे रही है, इसका सपोर्ट्स बैग, एक शील्ड और बदाम कितने इसमें है, आधे किलो बदाम गिरी एक शक्कर। एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ भाई, तारा फोटो सर, यह छोरी नेशनल प्लेयर है बॉक्सिंग की भाई, एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो। आगे जितनी भी नाम लेके जाएंगे सारी नेशनल प्लेयर है बॉक्सिंग की जो से आएंगे। और सेकंड पोजीशन पे रही है इसमें शिवानी मेरी बेटी है डॉक्टर फौजी करमवीर, आइए आज तो ले दस का बात बल में प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अंदर भी 1 किलो बदाम गिरी है, एक स्पोर्ट्स बैग है, एक ट्रैक सूट है, एक शेकर है और एक जो है शील्ड है। अगर बता दो जोरदार ताड़ी। और भाई इन 6 छोरियों में जो चैंपियन रही है फर्स्ट आई है ये है निकिता डॉटर ऑफ राजेंद्र, साई हिसार के अंदर स्टेन प्रैक्टिस कर रही है लड़की और नेशनल चैंपियन रही है अपने वेट के अंदर, ये नेशनल प्लेयर है, जोरदार ताली बजा दो। बड़ी रिक्वेस्ट करके ऐसी दादी तो मैंने कहा ली थी बॉक्सिंग में, माँ मेरी छोरियों के लग जाएगी रात, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है छोरी। और भाई ये 1600 मीटर ऊपर लड़के थर्ड पोजीशन अमित आर्य सन ऑफ बलदेव, 8 खिलाड़ी दौड़े थे जिसमें थर्ड पोजीशन है इसकी। हाँ 1600 मीटर की रेस इनकी, छोरियां की 800 मीटर की थी, वही नाम है जो थर्ड पहन कर रखे बनाते के जी बदाम कागजी शंकर स्पोर्ट्स बैग और शील्ड। ए निकिता बेटा सर्टिफिकेट भी है थारा, फर्स्ट का सर्टिफिकेट लीजिए। और भाई जो इन 8 खिलाड़ियों में चैंपियन रहे फर्स्ट पोजीशन पे दिनेश समफ राजवीर, सेकंड रह गया, सेकंड वाला नहीं बोल दिया, एक मिनट रुक जा सेकंड नंबर वाले पहला दीपू क्या रहना है दिनेश भी, दीपू सनो महेंद्र ये सेकंड पोजीशन पे है, ये 1 किलो बदाम गिरी कागजी स्पोर्ट्स बैग स्पोर्ट्स ट्रैक सूट शील्ड, बजाओ जोरदार ताली। और भाई जो फर्स्ट पोजीशन पे है दिनेश सनोफ राजवीर,
इसमें इसका जो स्पोर्ट ट्रैक सूट और 1.5 किलो कागजी बादाम गिरी, एक शेकर स्पोर्ट्स बैग, एक शील्ड और एक हमारी संस्था का सर्टिफिकेट। ये तो दिनेश का अपराध भी है, एक सर्टिफिकेट भी काट दिनेश का नाम का हो गई इसमें। फोटो एक निकिता का दीजिए मैंने सर्टिफिकेट। निकिता निकिता कड़े आज बेटा सर्टिफिकेट की तरह फर्स्ट का सर्टिफिकेट बना दिया हमने, जितने फर्स्ट है ना सर्टिफिकेट रखे लोग फर्स्ट है सारे। बुजुर्ग समझ लोगे सॉरी। अच्छा इनका फौजी साहब छोटी सुनिश्चित देगा कि इनका रिजल्ट बनाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक बार देखना उत्कृष्ट खिलाड़ी। अच्छा फिर फौजी को भी सम्मान करना। अरे संदीप और हमारे नफीस बीरवाल जो 12 से 80 CSN के प्रधान है, वो भी हमने आज यहाँ बुलाए थे सम्मान करवाने के लिए, तो वो एकदम से इमरजेंसी जाना पड़ गया उनको चंडीगढ़। फोन आया बस फौजी साहब वहां चला गया। तो पट्टी अफगान का कोई भी कहीं भी अगर नाम करता है तो देखो सारे वकील को छोड़ दीजिए, दुर्गा सदमा प्रधान एक नाम तो पट्टी अफगान का है उसको भी सम्मान करना था आज हमने, वो नहीं आ पाए अगली बार सम्मान कर देंगे। बेटा जो फर्स्ट आए थे ना बच्चे वो ट्रैक सूट जो संदीप यो सर्टिफिकेट देने लग रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट है ये ले लिया बेटा। एज ग्रुप थी नहीं एज ग्रुप कोई नहीं, बच्चे तो लेके पड़े थे हाँ कोई एज ग्रुप नहीं इसमें, हाँ सभी चले कोई एज ग्रुप नहीं, ये तो जिसका बोल बढ़िया जिसकी स्पीच बढ़िया लगी उस हिसाब से करो, छोटा से बड़ा लगे समाधि से बना करेंगे इनकी मैं जब तक रिजल्ट बना लूंगा इनका। ये स्पीच वाले बच्चे कोई नहीं जाएंगे बेटा सुनना समाप्त करेंगे। हाँ बेटा मैं स्पीच एक मिनट करवाता हूँ बेस्ट रिक्स इनके और भाई पिछले साल से हमने घोषित करा था ये वादा करा था भाई जो बच्चे स्टेट और नेशनल के अंदर इंटरनेशनल के अंदर पोजीशन लेकर आएंगे उसके लिए बताया था भाई जो नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल लेगा 31,000, सिल्वर मेडल लेगा इंडिया के अंदर 21,000, ब्रॉन्ज मेडल भारत में लेगा 11,000 और जो हरियाणा स्टेट के अंदर गोल्ड मेडल लेगा 11,000, सिल्वर मेडल लेगा उसको 5,100, ब्रॉन्ज मेडल लेगा उसको 3,100 रुपए। हर साल इसी तरह प्रोग्राम करवा के जब 20 बच्चे का अमरीके लिया पोजिशन हर बच्चे को हम इनाम देने का काम करेंगे, ये राशि बन सकेगा अपनी सब्जी मैंने पहले ही बताया था। एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ मेरे पास 5 बच्चों के नाम आए हैं अपने नामी के, जो 5 बच्चे स्टेट और नेशनल के अंदर पोजीशन लेके आए हैं उनके मैं नाम बोलूंगा। वे बच्चे इनको हमने नगद इनाम दिया है क्योंकि ये बड़े बच्चे हैं इनको बाहर भी तभी जाना पड़े इनको जरूरत है तो नगद इनाम देंगे, बाकी को हमने खुराक दे दी छोटे बच्चे में। इसीलिए सबसे पहले नैन्सी डॉक्टर ऑफ सतपाल खेलो हरियाणा जूडो गेम हुए जिसके अंदर 3rd पोजीशन इस गुड़िया की आई है, ये सर्टिफिकेट मेरे पास जो आए थे जिसका मेरे को पता था 5 बच्चे हैं। हाँ वही मैं ले रहा हूँ मैडम इसके अंदर चेक है इनका नाम पटके इन बच्चे दे दे कर दो नाम नहीं लिख गया तो तुम देख कर दे ये लुट कर इनको कैश प्राइज दे रहे हैं भाई। हाँ ये कोई नहीं ना पता बिट कहना बेटा क्या नाम तरुण नैन्सी डॉटर ऑफ सतपाल एक बार जोरदार ताली बजाओ हरियाणा होगा तो आप लोग इस प्रकार ताड़ियों से ठीक है बेटी अगली बार फर्स्ट आइए और इसको 3100 रुपए का चेक देके हम इस गुड़िया का जो हौसला बना रहे हैं। थैंक यू बेटा धन्यवाद। और भाई रजत सन ऑफ सुरेंद्र खेलो हरियाणा बास्केटबॉल के अंदर 3rd है ये लड़का बर्फ बजाओ एक बार जोरदार ताड़ी। इसी लड़की का भाई ये भाई देखो ये होती है संगत इसी गुड़िया का भाई है रजत और ये स्टेट के अंदर स्टेट के अंदर 3100 रुपए का जो इनको अपना वजीफा इनाम रखा हुआ है तो इस बच्चे को देखिए हम कौंसला बढ़ा रहे हैं वेरी गुड और बास्केटबॉल का खिलाड़ी बड़ा अच्छा खिलाड़ी बना है। हाँ जी Thank you.
नहीं वो तो सभी चली बच्चे अभी लग रहे हैं कोई बात नहीं आप करो अच्छा ही भी हो रजत हो गया ना ये स्टेट के अंदर थर्ड हैं और भूपेंद्र सन ऑफ जय भगवान खेलो हरियाणा बास्केटबॉल के अंदर थर्ड पोजीशन है हो गया किस करे भूपेंद्र आएंगे हो गया साथियों ये अब निकिता डॉक्टर राजेंद्र सेकंड पोजीशन आई आपकी बार खेलो हरियाणा के अंदर आजा बेटा मेरा एक काम सोलह चेक पेश करेगा काम सोलह चेक पेश इक्यावन सोलह इकतीस सोलह ना बेटा कट्ठे पे जितनी बार पोजीशन आवेगी अंदर पकड़ इक्यावन सौ रुपये का चेक है छोड़ गया जोरदार ताली बजाओ शाबाश और भाई सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस साल की वो भी चार जो दूप सिंह का लड़का है जो नेशनल के अंदर थर्ड पोजीशन लेके 11,000 रुपए का चेक इसका कर जोरदार ताली बजाओ बता दिया करो ताली वो भी चार खरो नहीं आ रहा जाओ आ जाओ जी फौजी साहब आ जाओ राम कुमार फौजी स्नान कर रहे हैं बहुत बढ़िया बदूप सिंह बधाई हो बहुत बढ़िया भाई परमात्मा भगवान या शोरता मैंने और ज्यादा बख्शे ताकि हम बच्चों को और ज्यादा उस नमदा सके परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और आप लोग भी स्पोर्ट्समैनों के बच्चों को उस नमदा करो और भाई किसी भी बच्चे को मैंने पहले ही बताया था बच्चे चुप हो जाओ जितने स्पोर्ट्स के बच्चे हैं हम खेलों में जाना चाहते हैं 11, 12, 10 साल के बच्चे जो जीतते हैं किसी को भी कोई प्रॉब्लम है बेटा स्पोर्ट्समैन को मेरे पास आ जाया करो 24 घंटे में कभी मेरे पास आ सकते हो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम्हारे को आए तो मेरे पास आ जाओ जो बच्चे खेलों में जाना चाहते हैं ठीक है और अभी रह गए बस प्रतियोगिता में दे दो भाई अरे किसका रह गया कोई स्पोर्ट्स वाला चेक कोई रह गया किसी का किसका रह गया एक मिनट में नाम बोल दूंगा भाई मतलब कोई अगर बच्चा हो तो आ जाएगा या फिर मैंने ज्यादा लिख दिया तो भाई ये एक बार सुन लो इसमें से कोई रह गया हो तो निकिता लेगी नंसी रजत देगा रजत अरे भूपेंद्र रह गया सर जय भगवान खड़े आया कौन थोड़ा भूपेंद्र सन ऑफ जय भगवान भाई ये खेलो हरियाणा के अंदर अब की बार जो गेम हुए थे इसमें बास्केटबॉल में थर्ड पोजीशन है एक बार जोरदार ताली बजाना सुन लो एक बार जोरदार ताली बजाओगे और बड़ी खुशी की बात अभी मैं आप लोगों को बता दूं मेरे को यहाँ बॉक्सिंग फेडरेशन का वाइस प्रेजिडेंट बना गए और इन बच्चों का साथ जो है इनको खिलाने का मौका मेरे को मिलता है आपको एक बता दूं बड़ी खुशी की बात है आपकी बार जो एशियन चैंपियनशिप हुई है मैं 12 बच्चियां लेकर के गया था अपनी टीम में जो गोहाना के अंदर स्टेट थी उसके अंदर हमारी चार बेटियां जो हरियाणा के अंदर फर्स्ट आई उन चार बेटियों में से वो इंडिया खेलने गई वहां पर जाकर के तीन बेटियां इंडिया में फर्स्ट आई वो तीन बेटियां दुबई में नेशनल खेलने गई तीनों की तीनों मेडल लेके आई हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है एक बार तो बजा जोरदार ताली सबसे बड़ी खुशी की बात यह है आज फेडरेशन में हम कहीं भी जाते हैं हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है कि मैं उस बॉक्सिंग की फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं जिसके फेडरेशन की एक के एकेडमी की एक के डिस्ट्रिक्ट की एक के जगह प्रैक्टिस करने वाली भारत के अंदर पहली ऐसी तीन लड़कियां जो एक के जगह की एशियन के अंदर जो मेडल लेके आई है एक फर्स्ट आई है छोरी रसोड़े की और एक सेकेंड आई है जो लड़की वहां उसकी सिसले की बड़ा मैं स्वागत करने के लिए गया था मेरा भी कभी स्वागत है यहाँ मेरा समझ इतना लग गया तीसरे की साड़ी है और भाई जो थर्ड आई है लड़की वहां पर ये पट्टी अफगान की कड़वाली गामड़ी की लाशु यादव है लड़की वहां ये तीन पोजीशन एशिया में कट्ठी अपनी एक के फेडरेशन की पहली बार आई है बड़ी खुशी की बात है भाई मैं बड़ा खुश होता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गाँव के बच्चे अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो और भी गणा मजा आएगा तो इसी एम इसी मोटर्स को लेके चल रहे हैं हम ये प्रोग्राम इसी से करने लग रहे हैं और हम समाप्त करने के लिए रह गए भाई दो कैटेगरी एक तो रहेगी स्पीच देने वाले बच्चे की और एक रहेगी जो है ये फौजियों को सम्मानित करना हमारे को सम्मानित कौन करेगा कोच कड़ा रहे हैं राजेश है और कौन है
सब बुला रखे, मैंने फोन करके जो जो आ रही है उनकी बुला, उनको सम्मानित करेंगे, उनको भी सम्मानित करेंगे, क्योंकि कोच ने खिलाड़ी आगे बच्चे तो आप सपोर्ट कर सकते हैं इनकी सिर्फ, ठीक है। एक तो भाई जितने बस देख रहे हैं ना बच्चे, ये सब सामान का सामना करते हैं, आजा गुंजन कट्टी पहले तो आजा ऊपर आजा जी, राम कुमार जी आओ, इन बच्चे ने समाप्त करो, लो बेटा थोड़ी थोड़ी देर राशि है बेटा इनमें, ठीक है, आरत गुल्लक में गिरा लिए पापा नाम दिए, 500-500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं इन बच्चों में, एक बार जोरदार ताली बजा दो। अभी बात है गुंजन आगे वंशिका आज बेटी ताली बजा दे ना गले गले भाई, एक गुंजन हो रहा भाई, एक गुंजन हो रहा दूसरी लड़की विनोद किए गए आजा बेटी ताली बजा भाई जोरदार, एक कीर्तिका 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 होगी, अच्छा ज्योति ज्योति लड्डू आजा चांदी के बेटा फोटो करा फोटो खा सलोनी सलोनी आज लड्डू कोई नहीं, इसके बाद मैं पाप में क्यों फंस गया, पूजा ए निकिता ये पे और भी था सामान आ गया मेरे द्वारा जाइए ना पूजा की के, अच्छा बेटी बात है तो मानसी बताऊंगा और भी मैं मेरे द्वारा सिमरन सिमरन आज लड्डो उषा वाइफ ऑफ लव कुमार एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, आगे बहू रानी जिसने इतना हौसला दिखाया रही है, बहू रानी भी आए करवा के आगे थोड़ी दौड़ भी कराऊंगे अगले गेड़े, ठीक है नी, वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा, और ये लोग भाई जो है सीट काट रहे इनकी भाई, देखो सबका लेक्चर पास बहुत बढ़िया था सारी बच्चियों का, हाँ लेकिन जो हमारे थर्ड नंबर पे आई है
भाई देखो ये पीछे जो फौजी बैठे हैं अपने दोनों तीनों, ये तीन जो गुड़िया बच गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का डिसीजन उन्होंने दिया है, लेकिन हमारे को डिसीजन करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बिल्कुल तीनों की तीनों हमारे मेरे नाम की तो फर्स्ट है, लेकिन जो फिर भी रिजल्ट रिजल्ट होता है इसमें जो ये मोदी का ये थर्ड पोजीशन पे निकाल लिया जोधी इसको आगे बैठी हजार रुपये कैश प्राइज और भाई एक इसको सीट दी जा रही गुड़िया के ऊपर जोरदार ताली बजाओ और जो सेकंड प्लेस पे है वो भाई मुस्कान 1500 रुपये और एक सीट देंगे उसका मान सम्मान करने भाई और जो फर्स्ट आई है लड़की भाई इसमें के अंदर सगुन जो इंग्लिश के अंदर बोल के गई है और बगैर देखे बोल के गई है 2100 रुपए और एक शील्ड फर्स्ट की और जो जो ये बच्चे फर्स्ट आए हाँ वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया शाबाश बेटा बहुत अच्छे वेरी गुड और जो ये खिलाड़ी जो आए थे भाई इनको बेटा हाँ कोई बात नहीं है निकिता है क्यों रहे साहब एक फौजी आ जाए बेटा क्यों नाम की चढ़ी में लाऊंगा ये भाई सपोर्ट सचिव बेटा सील रह गई थारी भूल के उड़े देनी सील कर किसी ध्यान नहीं जानता और एक नैन्सी नहीं तो दूसरी ले जो उसने दे दी बेटी नैन्सी आ गया बेटा गई तो नहीं शाबाश बेटा यही तो बात है पूरा प्रोग्राम संपन्न करवा के जाना है कदे अपना अपना नाम लेकर चले जाओ आ जाएगा एक बार रजत रजत है तो आ जा और भूपेंद्र बॉबी चार ये भूल गए थे हम ये सील भी दी तारी इन बच्चे ने पीछे ध्यान नहीं दिया हाँ बेटा बोल सपोर्ट सचिव वाली है इनकी ओके सर वो भी आ गया दो फाव हो रहा है दो फाव गया हो तो कोई दूसरा ले जो दे दिया उसने फिर हाँ तो दो फाव के लिए तो दूसरा थोड़ा भी उसने वो भी चार रख लेने बात दे दी और किसकी रह गई सीट ये फौजी वाली रह रही है और किसी की रह छुट्टी हो तो बता मैंने समान प्रतीक रखिए तो ये तो कुछ समझिए गेस्ट होटल हाँ ये विशेष समान जब तक कोई कम नहीं रहनी चाहिए ज़्यादा होगी तो अपना फिर प्रोग्राम कर लेंगे टेंशन है अच्छा ये बच्चा का हो गया हाँ स्पीच चला दी कोने भाग इसमें बला में क्या नाम था बला सुनील आजा बेटा स्पीच बोल के गया था सुनील भी स्पीच बोल के गया था भाई देखो यहाँ बोलना कोई आसान बात नहीं है इसलिए मैं इनको नाम दे रहा हूँ 500 रुपये से इसका मान सम्मान करें पर जोरदार तालियां बजा दो इतनी देर होगी मैं बोलूँ लाइन में फौजी कौन सा बोलता है एक दूसरे के नाम करें कुछ मोटिवेशन दो मेरे से तो सीनियर बैठे हो आप भी बोल लोगे आपने बुलाऊंगा लेकिन फौजिया ने बोलिए कौन सा बोल लगा बताओ पहला भाई देखो किसी ने जाना नहीं है राम राम मास्टर जी पीटीआई जी हमारे गुरु जी भी पहुंच रहे हैं बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है वेलकम इन फौजियों का भी स्वागत करना है क्योंकि मेन जो मकसद है हमारा कर दिया फिर पीछे को भूल चूक में रह जाए नहीं कोई बात नहीं क्षमा मांग लेंगे क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम में अगर कोई गलती सलती रह भी जाए करा तो फिर भी हम हमारे हिसाब से तो प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं सारा काम फौजी साहब थोड़ा मोटिवेशन बच्चों को आ जाओ एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ भाई रोशन जी हैं जो अपनी इंडियन आर्मी की पूरी सर्विस करके आए हैं मैं तो 8 साल में आ गया ये 15 साल में आ गया कोई 25-20 साल में आ गया 28 साल और ऑर्डनरी लेके आए हैं ऑर्डनरी सेना से उसी को मिलती है जिसके बड़े बढ़िया सिपाही होता है बड़े बढ़िया उसकी ड्यूटी होती है और बड़ा अच्छा डिसिप्लिन होता है उसको फिर ऑफिसर बना देते हैं तो सेना ने जो इनको पेंशन आते समय इनको ऑफिसर बना दिया कैप्टन बना दिया एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ मेरे गांव निवासी बड़े गुजरात माता बहने और बच्चों
आप लोगों का हौसला देखकर हमारे को इतनी खुशी हुई है कि प्रोग्राम इतना अच्छा लगा। और आने वाले टाइम में चलो बड़े होंगे तो निकल गई है, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं या छोटे बच्चे हैं या जो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, तो एक एम लेकर अपना उसके ऊपर ध्यान देते हुए घर की देखो, घर अपना देंगे माँ बाप साथ जब ही देंगे जब हम साथ में अपना काम करेंगे। माँ बाप एक पैसा ला सकता है, स्पोर्ट्स कर सकता है, लेकिन जो बच्चे ने करना है पढ़ना है तो पढ़ाई में भी एम लेके ही चलो। स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स में भी एम ले लो कि हमने जीतना ही है, हार जीत होती रहती है, हार जीत से नहीं डरना कभी भी। और आज ये भगत सिंह जी के जन्मदिन पे गाँव वासियों को सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा जो भी बच्चे जिस भी गेम में पढ़ने जैसा भी है ये अपना एक एम लेके ही चल रहा है, ये नहीं एक बार सोचे मैं पढ़ाई में जा लूं, एक बार सोचे मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, या एक बार सोचे मैं घर का ही काम करूं। तो माँ बाप अपने हेल्प कर सकते हैं, लेकिन माइंड दिमाग वो अपना खुद का है, बच्चे का काबिलियत उसकी है। घर के गांव के हेल्प कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। जाना है साथ में तो हेल्प करेंगे। धन्यवाद। हरी गुड भाई बहुत बढ़िया। भाई मावी से प्रार्थना करता हूँ, मैं हमारे फौजी हैं, बड़े अच्छे कमांडर्स रहे हैं सबसे, जो धातु प्लाटून के अंदर भी नौकरी करी है। एक बार दो मिनट आए इन बच्चे ने फौजी बना, नहीं दो मिनट चला अंदर का था ना, हाँ नाम पड़ेगा जो बात है, मैं तो बोलने लग रही हूँ घबराएगा। राम कुमार जी मैं तो बोलने लग रहा हूँ कोई सर मदद। राम कुमार जी शर्मा ने कहता है नरेश यार आप तो यंग फौजी हो, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ। गांव के निवासियों, बुजुर्गों, बच्चों, माताएं व बहनों, मैं इस प्रोग्राम के लिए करमगर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने गांव में एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। इससे ना तो एक बच्चों में बल्कि बड़े बूढ़े और सब में एक खेल की भावना पैदा होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये दो साल में नहीं कम से कम पाँच चार महीने में एक प्रोग्राम तो होना ही चाहिए, चाहिए करमगर जी करवाओ या फिर कोई ऐसा काम तो यो गांव का कोई सरपंच हो वो तो ये भी करवा सकता है। इस काम के लिए मैं इनका करमगर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना होता हूँ। बहुत बढ़िया, नहीं देखो सारे काम पंचायत नहीं करवा सकती, हर गांव के अंदर कमेटी है युवा बच्चों की, तो हमने भी एक कमेटी बनाई है। तो हम तो ये कहते हैं भाई हम जो जितने भी 20 25 30 40 बच्चे हैं देश में गांव के अंदर बच्चों के लिए हम कितना काम आ सकते हैं भाई, गांव के और किसी सामाजिक काम के लिए हम कितनी सहायता कर सकते हैं पंचायत की, हम इसलिए हमने कमेटी बनाई है, ना कि आप हम लोग सारे बैठे हो बड़े छोटे कि हम खुद ही पंचायत बनने के लिए यहाँ नहीं आए, हम तो सिर्फ एक हम पंचायत की कितनी मदद कर सकते हैं, पंचायत हमारे से कितना फायदा उठा सकती है, जितनी हमारी जान पहचान है हम कहते हैं कि काम ले सकते हैं हमारे को लेके जाओ, हम जो है आपको जितना सहयोग होगा उतना करेंगे, बच्चों के लिए हम जितना होगा करते रहेंगे, बाकी पंचायत में तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, सरपंच बढ़ते रहेंगे और बदलते रहेंगे भाई, इस चीज़ से अपने राजनीति में तो बढ़ना है को नहीं, अपने को तो सिर्फ ये जो ऐसे काम है हर साल परमात्मा हमारे जिंदगी लावे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों का जो सपोर्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, मेरा मेन मोटो नशे से बचाना भाई, आप लोगों ने सबने पता है कि एक भाई था मेरा जो मैं ये कहता हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर तो उस लड़के का वेट छोड़ा कर दिया वजन कि भाई इस तरह वजन के अंदर हम नहीं लड़ेंगे भाई, क्या था वो काला आएगा, इतनी तैयारी मैंने उसकी करवा रखी थी, मैं चला गया फौज में पाछा तो उसकी संभाल नहीं हुई, और सेना के अंदर मैं खुद सपोर्ट्स कोटे से मेरा जीवन जो है सपोर्ट्स नहीं मेरे को कामयाबी दिलाई है, रोशन पी के आई जी बैठे हैं
जमीन बच्चा अपने था उन्हें खिलौने ले जा करते उन्हें तक नेशनल पोजीशन आ गई, फौज में हम जाकर भर्ती हो गए तो फौज ने इतना मजबूत बना दिया। आज हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं है, जो अच्छे अच्छे काम करके आज पट्टी अफगान का जो भी हमारे से नाम जुड़िया है, करमवीर फौजी पट्टी अफगान करमवीर फौजी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब गांव ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया है, गांव का नाम मेरे साथ जुड़ गया, पता नहीं मेरा नाम गांव के साथ जुड़ गया, तो अच्छे से अच्छा काम करके और जो है बच्चे यहाँ पर पैदा जो अच्छे युद्ध जो है आगे नस्ल अच्छी हो और नशे से बचे, क्योंकि मेरा भाई नशे में गया, सबका पता है इसमें ये चोरी है और इतना तगड़ा प्लेयर होया करता, तो आज अगर उसके पीछे सपोर्ट होती है जिस प्रकार से आज मैं बच्चों को सपोर्ट करा तो शायद ओलंपिक के अंदर मैं भी होता जिस लड़के का, लेकिन आज बदकिस्मत है इस दुनिया में वो नहीं है, तो जिंदगी के अंदर इससे बड़ा दुख को कोई देखने को मिलेगा नहीं। और भगवान ने 20 साल के बाद लड़का दिया, इससे ज्यादा शायद सुख भी नहीं मैं देख पाऊंगा, तो दुख भी सुख भी स्वर्ग भी नरक भी सारे यही देखे हैं। और परमपिता परमात्मा ने औकात से ज्यादा दे दिया, फौजी कर्मियों की इतनी औकात नहीं थी, मैंने बेरा मेरी 20 साल पहले औकात क्या थी, लेकिन औकात से ज्यादा दे दिया, तो औकात से ज्यादा कहते हैं इंसान को तंग करता है, हम अपनी औकात नहीं रहना चाहते हैं। परमपिता परमात्मा अगर देता है तो इन बच्चों के लिए खर्च करने में हम कभी भी जिंदगी में फ्रेज नहीं करेंगे। और धन्यवाद इस पूरी पीवाई सुपर की अफगान युद्ध क्लब के युवा बच्चों का जो दिन रात तत्पर रहते हैं, और मैं थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होता हूँ तो ये सारा जो है सिस्टम संभाल लेते हैं और अच्छे कामों के लिए जो मोटिवेशन करते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा और हमारे पट्टी अफगान युद्ध क्लब में जुड़ो और नशा से इन बच्चों को बचा लो, आगे ये बच्चे अगर नशा से बच गए तो हमारी तरक्की खूब होगी, और अगर हमने ये बच्चे नहीं संभाले तो बेड़ा गर्क होने में कोई कसर नहीं रहेगी। भाई आप लोग देखना लाग रहे हैं, यही मेरा मेन मोटो मेन मकसद मेरा यही है। और अब हमारे जो फौजी भाई रह गए सम्मानित होने के लिए, हमने कोई बाहर से यहाँ चीफ गेस्ट नहीं बुलाए, क्योंकि अपना गांव का ही प्रोग्राम था, गांव के ही चीफ गेस्ट हैं, गांव का हमने ये प्रोग्राम करना है। और इन फौजियों को सम्मानित करने के लिए भाई हमारे गुरुजी जो मेरे गुरुजी रोशन पीटीआई जी यहाँ पर हाजिर हैं, हमारे को सम्मानित वो करेंगे भाई, एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो आप सारे, क्योंकि उससे सहायता कर देते हैं ताकि इन बच्चों को जो है आगे कोई दिक्कत ना आए छोटी मोटी, इसलिए आशीर्वाद के रूप में धनराशि हमने बच्चों को दे दी। फौजी भाइयों का एक जो ये सम्मानित चिन्ह है समृद्धि चिन्ह देके और अपना एक अपना देसी साहब मिश्र काम में स्वागत होगा, देसी दरिवाल की खेसी देके इनका सम्मान करेंगे, एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो पहले। सबसे पहले मैं जिसका नाम बोलूंगा रोशन पीटीआई जी, आप उनको सम्मानित करके रहना भाई। जो सबसे पुराने फौजी हमारे गाँव के सुरता राम जी, उनके बेटे कपूर बैठे हमारे पीछे, रवि कपूर, मैं चाहूंगा कि वो तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सबसे पुराने जो फौजी हैं सुरता राम जी एक्स फौजी हैं, देश की रक्षा करी है, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ। एपी रंगे मेरे मैं तुझ पे मरूं, अपना तन मन में सब कुछ अर्पण करूं। उसके बाद भाई महावीर सिंह एक्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से एक्स हैं और अभी हरियाणा पुलिस के अंदर सेवा दे रहे हैं, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ भाई, इनका स्वागत हमारे रोशन पीटीआई जी करेंगे। मेरे भी पीटीआई रहे हैं और इसके भी पीटीआई रहे होंगे शायद उस टाइम पर भी, जाना किसे ना नहीं पे रोड के ना तो हम भी लेट हो रहे हैं। ऐ मेरे वतन है तुमको नमन, तेरे खातिर ही बीते ये मेरा जन्म। ओके भाई, राम कुमार जी भाई मैं इन्हीं की कोर से हूँ, इन्हीं के ग्रुप से हूँ, जहाँ ये ट्रेनिंग करके आए थे वही ट्रेनिंग पे मैं गया था, 7th कैवलरी से ये जो है एक्स हैं, और एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो इनके नाम, क्योंकि फौजियों का सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी समझा आपने। वीर कहलाए जो तुझ पे कुर्बान हुए, और हाथों में झंडे थे लहरा रहे। सुरेश कुमार नायक जाट से, हाँ सुरेश कुमार का वारे का किसान आ रहे होगा, किसान आ जाए नायक जाट से है, मैं प्रोग्राम भी करके आया था नायक जाट के अंदर, मेरे को ध्यान है। तो सुरेश कुमार जी भाई बहुत बढ़िया डिसिप्लिन सिपाही रहे, आज इस दुनिया में नहीं रहे। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। भाई ये वेरी गुड, जो सुरेश कुमार है वो मेरे से 4-5 साल सीनियर था, खाड़े में जोर करता था, अच्छा पहलवान था हमारे से, बढ़िया था उस टाइम पे, कोई बड़ा थोड़ा सा और बहुत अच्छा सिपाही था, जो अभी दुनिया में नहीं रहा, दिल्ली पुलिस के अंदर था, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, आप सभी को पता है। मान सम्मान फिर भी जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, सदा
बुलाना नहीं चाहिए ऐसे वीरों को जिनकी वजह से अपने गांव का नाम कमाता है। तो नरेश कुमार ये भी जाट रेजिमेंट से हैं, 18 जाट से है ना, एक्स ये मेरा क्लास फेलो रहे इकट्ठे पढ़े हैं, एक बार ज्यादा जोरदार ताड़ियां। इतना प्यारा ये भारत वतन है मेरा, युग युग तक लहराए ये झंडा तेरा। भरत सिंह जी जाट रेजिमेंट से है भी, बदल जोरदार ताड़ी के नाम से भी एक्सपोर्ट जी हैं। युग युग तक लहराए ये झंडा तेरा, मातृभूमि मेरी मैं शरण में तेरी। करमवीर सिंह मेरे को भी सम्मान करो जी। तुझे करके नमन है उठाई कलम, और लिखा है ये देश भक्ति भजन। अपने मनदीप सनोफ बलदेव राजदीप, मैं ऑन ड्यूटी फौजी है जो उनको भी सम्मान कर रहे हैं, उनके घर से कोई आए तो आ जाओ, जो ऑन ड्यूटी फौजी है, क्योंकि देखो जो ऑन ड्यूटी है चाहे कोई सेवा देकर आया है, फौजी फौजी है। मनदीप सनोफ बलदेव एक बार जोरदार ताली बजा दो। जो मिट भी गया मैं तेरी शान पे, तेरे खातिर मैं ले लूं दोबारा जन्म। निर्मल सनोफ राजवीर उर्फ राजा एयरफोर्स के अंदर है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, सेना के तीन वो हैं आग है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा वायु सेना में जाता है, तो वायु सेना के अंदर अभी सेवा दे रहे हैं इस टाइम पर। निर्मल जो हमारे गाँव का बच्चा है और बड़ी मेहनत करी है राजा, और सबने पता है भाई मेहनत का ही जो फल मिलता है, जो बच्चे को इतना बढ़िया पढ़ा दिया और इतने बढ़िया फिजिकल तैयारी कराई, जब ये बच्चा एयरफोर्स में गया, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ इनके। कभी तो कह रहे कि माँ बाप का नाम रोशन होता है, तो आज उनके बाप का नाम रोशन होगा, देख लो बहुत बढ़िया भैया। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। राजन सनोफ जय भगवान, ये भी एयरफोर्स के अंदर है, राजन सनोफ जय भगवान। और ये बहुत बढ़िया प्लेयर हुई है ना, बास्केटबॉल का नेशनल चैंपियन रहे हैं लड़का, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ। देखो स्पोर्ट्स की बदौलत आज ये एयरफोर्स के अंदर है, इसीलिए जो स्पोर्ट्स में बच्चा जाता है मेहनत का फल मिलता है उसको। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। और भाई सोनू कुमार सनोफ कृष्ण ये बिरवल पट्टी से हैं शायद, जा लिया गए नहीं रहे, ये बिरवल पट्टी से हैं भाई। मैंने फोन करके वहां से भी पूछा था, मैं कोई फौजी हो तो ये फोन आया था मेरे पास, सोनू कुमार का पता लग गया, ये भी इस फौज में है, कौन से चौदह जाट में है भाई, चौदह जाट में जो है सोनू वो भी फिलहाल नौकरी कर रहा है, तो भारत माता का बड़ा आशीर्वाद उन पर, और इनको भी सम्मान किया जा रहा है हमारे पीटीआई रोशनलाल के हाथों से सम्मान करवा रहे हैं। ये भी मेरा स्टूडेंट है। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। ये भी स्टूडेंट के बच्चे भी स्टूडेंट, इतने पुराने पीटीआई हमारे। और भाई भाई बिंदर सन ऑफ रोशन, बिंदर सन ऑफ रोशन ये जो वहां खेतों में बसा है, ये मेरे दादा करने के जो है पोते हैं भाई, लेकिन फिर भी गामड़ी से ताल्लुकात रखते हैं, जहां भी ये पटके भगवान बोलते हैं, तो अगर कोई परिवार से आए तो वेरी गुड। बिंदर सन ऑफ रोशन पर जोरदार ताली बजाऊंगी। और दूसरा शायद विकास विकास है नसीब का, हाँ दोनों ही ले जाओ फिर आप, वो भी नहीं शायद आया होगा, नसीब जो है विकास है बिन्नू को लेकर दिया, वो भी बॉक्सर हो आ गया। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। विकास है भाई सनोफ नसीब सिंह, ये भी लड़का बॉक्सिंग का अच्छा प्लेयर है, बॉक्सिंग की उससे ही लग गया था वो भी फौज के अंदर, जो विकास के नाम से मुझे दे रहे हैं। और भाई अपने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं दीवान सिंह जी, हमने सबने पता है
तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। मतलब सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं हम आज की स्टेज का उनका, कि जब तक हमारा पट्टी भगवान हम यहाँ पर हैं, उनके परिवार से कोई भी बंदा रहेगा, जब तक भी कोई प्रोग्राम होगा तो सबसे पहले उनको मान सम्मान दिया जाएगा। गांव के अंदर दीवान सिंह के परिवार से कौन आया? एक बार जोरदार ताली बजाओ। भाई मंदीप बैठे हमारे बीच में, और ये समझ लो पक्के फगान से इसका जुड़ाव है, बचपन से यही रह जाए और यहीं से बचते हो जाए, रामफड़ का बन जाए, तो इनको भी सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो। कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। जब मैंने बताया था कि जो सबसे बड़े अफसर होते हैं सबसे एक नंबर आता है। ओके ओके, आई एम एग्री विद एडवाइस, डोंट माइंड टेंशन। भाई हमारे जो रोशन जी हैं सिक्स आर्मी से रिटायरमेंट हैं, इनका स्वागत हम सारे फौजी और पीटीआई जी भी मिलकर करेंगे। आ जाओ मेरी जमीन महबूब, मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। बता अब रोशनलाल पीटीआई जी को भी सम्मान करना है, सम्मान प्रतीक दे। अरे कैसी चिन्ह कौन सा करेगा? आ जाओ जी सब सब आ गया, सारे आ जाओ, सारे फौजी सम्मान कर रहे हैं भैया रोशनलाल जी को। और भाई कोच साहब जो भी हो रहे हैं, राजेश कोच आए अपने जूडो कोच, जो प्राइवेट कोच हैं, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बच्चों खिला रहे हैं, वो भी मंच पे आए। पीटीआई जी आपके चिल्ले बहुत आ रहे हैं, उनको भी स्वागत करो। हाँ जब एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो भाई। अरे सतवीर जाएंगे, सतवीर एक बार जोरदार ताड़ी भाई। और हमारे बॉक्सिंग कोच गुरमीत सिंह अगर यहाँ पे नहीं है तो गुरमेल जी आ रहे, जो भी आए थे गुरमीत सिंह जो हमारे बॉक्सिंग कोच है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को बहुत बढ़िया खिला रहे हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर होगा, गेस्ट ऑफ ऑनर, हाँ गेस्ट ऑफ ऑनर दो। रेसलिंग कोच सतवीर, रेसलिंग कोच सतवीर है, आ जाओ दूसरा लेके जाओ, ले जाओ कोई आ रहा था। जोगेंद्र जुड्डो कोच में अलीशा आई है, जुड्डो कोच की छोरी आ रही है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। डीएसओ मैडम बैठी है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सारे वहीं बैठा रखे हैं कोच। और कौन समझ के बताओ मेरे को, मेरे ध्यान ना रहा बात में, और याद कर लो प्रोग्राम को फिनिश करने से पहले।
हो गया ना सब, चलो फिर ध्यान कोच 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 हो गए, पीटीआई जी हो गए, मास्टर जी समान हो गया भाई, मेरे मामा ने कर दो समान, आज मेरा मामा आ रहा है पीछे बैठे, मेरा मामा जगदीश आया है ना समान कर दो, आज मामा तो मेरा मामा आ रहा है छोटा, बचपन में रह के भी गया जगदीश गांव पुराना कला से, भाई खेसी भी आने देगी पतली हो जाए आने तारी बात दुगने जाने पर इसको चढ़ा है इसको तो फिर जो वेरी गुड ठीक है जी भाई देखो बहुत आप लोगों ने समय दिया, बड़ी खुशी की बात है कि अच्छा काम था यो, अच्छे काम के लिए आप लोग आए, माड़ा काम करिए ऑनलाइन से सारे बात जाएंगे लेकिन अच्छे काम के अंदर भी आया करो, तभी गांव की पहचान बनेगी, गांव की शोभा बनेगी, गांव की शान बढ़ेगी, प्लेयर खिलाड़ी चाहे कोई भी है सारे काम का होता है, सपोर्ट करो, शाबाश बेटा कोई कमी ना दो, बहुत बढ़िया बात। और भाई ये प्रोग्राम का समापन यही करते हैं और मैं चाहता हूँ कि अगली बार इससे भी बढ़िया अगर आप लोग सहयोग करो, इससे भी बेस्ट प्रोग्राम आप लोगों के बीच में हम लेकर के आए, और जितने 11, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं भाई इनको खेलना में भेजना शुरू कर दो, और कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे मिल जाओ, हमारे 30-40 बंदे हैं स्पोर्ट्स क्लब के, और भाई आप लोगों का बार बार धन्यवाद, आप लोग आए और इस मंच की शोभा बढ़ाई, और अंत में एक भगत सिंह का जयकारा बोलते हैं उसके बाद प्रोग्राम की ध्यान करते हैं, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की, थैंक यू, धन्यवाद।